हेलो, हाँ कहाँ हो तुम? ये डीरो नहीं है। ये किसको किस किया मैंने? परफ्यूम भी कितना अलग है, जैसे कोई जंगली फूल। सनेम, उन फाइलों को वहां पर मत रखो। मिस्टर एमरे, कौन है यहाँ? मुझे एक्चुअली उन्हें फाइल देनी थी। कहाँ है वो? मैं ले लेती हूँ, मैं उन्हें दे दूंगी। प्लीज यहाँ साइन कर दीजिए। हाँ, ये लो, ठीक है। हैव अ नाइस डे। थैंक यू। थैंक यू। कैसी हो? ठीक हूँ, आप कैसी हो? मैं भी ठीक हूँ। मुझे बहुत भूख लगी है। तुम्हारे लिए सैंडविच मंगाते हैं, सैल्मन और चिया सीड्स के साथ। वो क्या होता है? मुझे बस एक सॉसेजेस चाहिए और उसके साथ थोड़ा सा चीज। मुझे उल्टी हो जाएगी। तुम एक बहुत दिलचस्प लड़की हो, मैं तुम्हारे हाजमे के बारे में जानने के लिए एक्साइटेड हूँ।
मिस्टर कैन इतने धीरे क्यों चलते हैं? नहीं, वो धीरे नहीं चलते हैं। आज वो कितने हैंडसम लग रहे हैं लाइट ब्लू क्लोथ्स में। सारे हैंडसम मर्द इतने बुरे क्यों होते हैं? हम इस बारे में बाद में बात करेंगे। क्या वो हमारी तरफ आ रहे हैं? हाँ, आ रहे हैं, आ रहे हैं। सनम, क्या तुम मुझे पिछले 3 महीनों के एड्स की फाइल लाकर दे सकती हो? हाँ, एक्सक्यूज मी, आपका कमरा कौन सा है मिस्टर कैन? वही वाला, डैड का केबिन। ठीक है, मैं अभी लाती हूँ। तुम वहां रख देना, मैं देख लूंगा। कैंपिंग की फाइल्स कहाँ पे है? फाइल्स वहाँ शेल्फ पर रखी हैं, ले जाओ, वो डॉक वाली, या फिर मैं ले जाती हूँ, तुम फिक्र मत करो। आराम से, आराम से। वो आपने तो मुझे डरा ही दिया, आप कितने चुपके से अंदर आए। ये क्या लिखा है? मेरी हॉबी। हॉबी? अहमद और मैते, काफी अच्छी हॉबी है, वेरी इंटरेस्टिंग। तुम जाओ, मैं देख लूंगा। क्या मैं जा सकती हूँ? मुझे फोन उठाना है। हाँ, तुम जाओ। तुमने आके सच में मेरी बहुत मदद कर दी। हेलो, अयहान, क्या तुम बताओगी तुम कहाँ थी? सनम गुनाह की दुनिया में जाने वाली थी। ये तुम क्या कह रही हो? क्या तुम सच में ये सब करने जा रही हो? अयहान, इस वक्त मेरी लाइफ में बहुत गड़बड़ चल रही है। मैं किसी के घर में घुस रही हूँ जिसके डैड नहीं है। कौन इंसान किसके डैड चल बसे? असली बॉस वो बहुत अच्छे इंसान है। उनके है ना 2 बच्चे हैं, और उनमें से छोटे वाले ने मुझे जॉब दी थी, और जब असली वाले चले गए थे ना तो बड़े वाले ने कंपनी संभाली। वो बहुत मतलब इंसान है, तो मुझे और उनके छोटे बेटे को उनके खिलाफ होकर काम करना पड़ रहा है, लेकिन ये सब अच्छे के लिए कर रहे हैं। मैं इसमें फंस गई हूँ क्योंकि उन्होंने मुझे बहुत सारे पैसे दिए हैं, बहुत ज्यादा पैसे है वो, इसलिए मैं बहुत बड़ी मुसीबत में हूँ। मुझे नहीं पता मैं क्या करूँ, लेकिन मैं तुम्हें बता नहीं सकती, मैंने उनसे वादा किया। क्या कह रही हो तुम? देखो बहन, मेरी बात सुनो। मुझे लगता है जबरदस्त वाले किस्से को तुम बहुत ज्यादा सीरियस ले रही हो। शायद तुम्हें साइकेट्रिस्ट की जरूरत है। हाँ हाँ बिल्कुल, अगर मैं जेल नहीं गई तो, और अगर जेल चली गई तो मेरे लिए साफ कपड़े लेकर आना। ओके, ये क्या कह रही हो सनम? तुम मुझे डरा रही हो क्या? देखो मुझे तुम्हारी फिक्र हो रही है। तुम्हें क्या लगता है अयान, मुझे बिल्कुल डर नहीं लग रहा है। मेरी बहन को वापस जॉब मिलनी चाहिए, और मुझे भी वही जॉब करना है, वरना जबरदस्त से मेरी शादी करवाई जाएगी। अयान, चलो मैं फोन रखती हूँ। अब मैं क्या करूँ? घर में कैसे घुस सकती हो तुम?
गॉड, आई प्रॉमिस मैं मॉम की हर बात मानूंगी, अपनी बहन के शूज खरीदूंगी और जबरदस्त से अच्छे से बात करूंगी। तुम यहां क्या कर रहे हो? वही परफ्यूम, वही वाली। आपने मुझे डरा दिया, आप यहां क्या कर रहे हैं? तुम एक मिनट यहीं रुको, यहां से हिलना मत, मैं म्यूजिक बंद करके आता हूं, वहीं रहना, हिलना मत। आ,
और तुम मुझसे पूछ रही हो मैं क्या कर रहा हूँ? तुम मुझे बताओ तुम यहाँ क्या कर रही हो? वो मैं कुछ भूल गई थी, बस वही लेने आई थी, और मैं आपको समझा नहीं सकती। अब मुझे घर जाना चाहिए। एक मिनट, तुम कहीं नहीं जाओगी? तुम घर के अंदर कैसे आई? मिस्टर एमरे ने मुझे घर की चाबी दी थी। एमरे ने? क्यों? ये मैं आपको नहीं बता सकती। अच्छा, देखिए मिस्टर जान, आपको पूरा हक है ये पूछने का। आप मेरे बॉस हैं, पर आप मुझे फोर्स नहीं कर सकते। सनम, तुम क्या बोलना चाह रही हो मेरे समझ में नहीं आ रहा है। तुम सही सही बताओगी तुम क्या कर रही थी यहाँ पर, और मेरे घर में इतनी रात को आखिर क्यों आई हो? मिस्टर एमरे, I'm so sorry। मिस्टर एमरे ने अपनी जैकेट पर कॉफी गिरा ली थी। मैं उसे ड्राई क्लीनर के पास ले गई, पर मैं अपना वॉलेट उसमें भूल गई, उनकी जेब में। और मुझे पता था कि उनकी वो जैकेट यही घर पर होगी, इसीलिए मैं बस वॉलेट लेने यहाँ आ गई। तो तुम ये कह रही हो कि एमरे के पॉकेट में तुम्हारा कुछ सामान है ना? हाँ, वो मेरा है। और वो इतना जरूरी होगा कि तुम एमरे से चाबी लेकर इतनी रात को यहाँ पर आई, क्योंकि कल तक तुम इंतजार नहीं कर सकती थी, है ना? हाँ, क्या मैं ले सकती हूँ अपना वॉलेट? हाँ बिल्कुल ले सकती हो, चलो मेरे साथ आओ। ये मैंने क्या बोल दिया, कोई और बहाना नहीं दे सकती थी। मिस्टर एमरे की जेब से तो कुछ मिलेगा ही नहीं, हो सकता है वो खाली हो। अब मैं क्या करूंगी? ओह नो। क्या ये वही है? हाँ यही है, लेफ्ट पॉकेट में। देखते हैं। क्या हुआ? क्या तुम्हारा कोई मंगेतर है? क्या हुआ सनम, घबराई हुई क्यों? हाँ ये मेरी है, मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए घबरा गई थी। मुझे लगा मैंने इसे खो दिया है। हाँ, मेरा फियांसे है और उसी ने ही मुझे ये रिंग दी थी। मुझे डर था कि कहीं मैं इसे भूल ना जाऊं और कहीं खो ना दूं, इसलिए मैंने इसे मिस्टर एमरे के पॉकेट में रख दी थी। शुक्र है कि ये मिल गई, अगर ये खो जाती ना तो पता नहीं क्या हो जाता। अब ये मिल गई है तो मुझे जाना चाहिए। सनम ऐसे नहीं खुलेगा, आराम से। अरे तुम क्या कर रही हो, तुम ऐसे भाग क्यों रही हो? मेरा पैर। अरे नहीं, पागल लड़की है। मैं सच में बहुत एक्साइटेड हूँ। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग कुलिस। गुड मॉर्निंग। तुमने ये कपड़े क्यों पहने हैं? मैं एक एयरलाइंस की कैबिन क्रू के ड्रेस में एक एड क्लिप में हिस्सा लेने वाली हूँ। ओ हाँ, वो एयरलाइन का एड याद आया। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। तो तुम्हारा क्या रोल है उसमें? मुझे नहीं मालूम, अब तक कुछ पता नहीं। हे, तुम्हें चोट कैसे लगी? अरे नहीं, कुछ खास नहीं, वो मैं थोड़ा गिर गई थी। कुलिस, मुझे ना तुमसे छोटा सा फेवर चाहिए। ये ना, ये देखो, ये उन गेस्ट की लिस्ट है जो उस दिन 40th एनिवर्सरी सेलिब्रेशन में आए थे।
इनमें से जो दाढ़ी वाले हैं उनके नाम पर निशान बना दो, लेकिन सिर्फ वो जो बैचलर्स है। अगर तुम मुझे रीजन बताओगी तो मैं तुम्हारे लिए कर दूंगी। उस रात मैं किसी से टकराई थी, उसका चेहरा नहीं देख पाई थी, पर मैं बस इतना जानती हूँ कि उस लड़के की दाढ़ी थी। मिस्टर वाकिफ, उनकी शादी नहीं हुई, तुम्हें पता है उनके 6 बच्चे हैं। 6 बच्चे? क्या उम्र है उनकी? 60 शायद 70। आई होप मैं उस रात उनसे नहीं टकराई थी। सनी, क्या उस रात तुम्हें किसी ने छेड़ा था? ये बदला लेने का टाइम है। एल्बेट्रॉस क्या है, कोई कार्ड है? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। वो तो दुनिया का सबसे रोमांटिक इंसान हो सकता है, बस उसे देख नहीं पाई मैं। तुम सच में बहुत अजीब हो। ये लो, मैंने मार्क कर दिए हैं। सनी, क्या तुम मेरी एक अच्छी सी फोटो खींचोगी जरा? हाँ बिल्कुल, अभी लेती हूँ। हाँ रुको रुको, चलो अब हम सेल्फी लेते हैं। ओके। सनम, मुझसे मेरे कैबिन में मिलो। जरूरी है क्या? सनम, गुलिस, इसे मेरे डेस्क पर रख देना, मैं आती हूँ। ठीक है। बैठो। क्या एक हुआ था? हाँ, पर फिक्र मत कीजिए, मैंने इसे रात को ही क्लीन कर लिया था। ओके, लेट मी सी, कहीं तुम्हें इन्फेक्शन ना हो गया। एक मिनट रुको। अरे फिर तुम बाहर जा रही हो, बोला ना बैठ जाओ। ओके। वैसे इसकी जरूरत नहीं है। नहीं, ये करना जरूरी है, इन्फेक्शन हो सकता है। दर्द हो रहा है? जानते तो है ना कि आप क्या कर रहे हैं, आपने पहले कभी ऐसा किया है क्या? अक्सर जहाँ जहाँ मैं ट्रैवल करता हूँ वहाँ पर ऐसे फर्स्ट एड्स तो करने ही पड़ते हैं। समझ गई। इसे पकड़ना। हाँ। ये जल्दी ठीक हो जाएगा। क्या तुम इसे ऐसे होल्ड कर सकती हो? वैसे सच कहूँ तो इसकी जरूरत नहीं थी, मैं तो गिरती पड़ती रहती हूँ बचपन से। एक बार तो मैंने अपना सिर फोड़ दिया था, पर कुछ हुआ नहीं मुझे, बस दाग रह गया था कुछ दिनों तक। घुटनों पर तो कई बार चोट लगी है मुझे, मैं बस उसे ठंडे पानी से साफ कर लेती हूँ अपने स्टाइल में। फिर तो सच में तुम कमाल हो। हाँ हो गया, शाम में पट्टी बदल देंगे। थैंक यू सो मच। अब ज्यादा चलना फिरना मत और पानी से दूर रहना ताकि तुम्हारा जख्म जल्दी भर सके। ठीक है। ये किस चीज की लिस्ट है? वो मेरी है, मैं ले लूँ? नहीं, ये मैं तुम्हें नहीं दे सकता। हाँ, वो सेलिब्रेशन वाली रात जितने भी दाढ़ी वाले थे उनकी लिस्ट है। एक मिनट, प्लीज मुझे दे दीजिए। तुम्हें क्यों चाहिए? हाँ पूछिए ना। हा? तो फिर तुम मुझे ये बताओ कि उस रात पार्टी में मैं भी तो था और मेरी भी दाढ़ी है, तो मेरा नाम इस लिस्ट में क्यों नहीं है? क्योंकि आपने कोट नहीं पहना था, आप कैजुअल कपड़ों में थे। आप प्लीज मुझे दे दीजिए ना। ले सकती हो। तुम्हारी रिंग कहाँ है? पहनना भूल गई थी। तो कल रात ये तुम्हारे लिए बहुत जरूरी था, लेकिन आज तुम इसे पहनना भूल गई। वो मेरे पेरेंट्स को अभी इस बारे में कुछ पता नहीं है, हमने कुछ बताया नहीं है, पर हम जल्दी ही बताने वाले हैं कि हमने एंगेजमेंट कर ली है। पेरेंट्स को तो पता ही होना चाहिए ना। सच
सनम तुमसे कुछ पूछना है। कल रात तुमने ऐसे क्यों बिहेव किया? मैंने आपको बताया है मैं वहाँ क्यों आई थी। नहीं, तुम वहाँ पर क्यों थी ये मेरा सवाल नहीं है। तुम वहाँ से भागी क्यों? आपसे बचकर भागी। मुझसे बचकर क्यों? मैं डर गई थी। डर गई थी क्योंकि मुझे लगा आप ये सोचेंगे कि मैं वहाँ चोरी करने आई हूँ। पता है जब मैं छोटी थी तो मैं कपड़े सुखाने वाली रस्सी चुराती थी, और जब मैं पकड़ी गई तो पुलिस ने मुझसे कहा कि अगर मैं दोबारा पकड़ी गई तो वो मुझे जेल में डाल देंगे, और वो भी कई महीनों के लिए। इसलिए सनम, थोड़ी समझदारी वाली बातें करोगी? नहीं, कभी कभी ऐसी बात नहीं कर पाती। इसके लिए थैंक यू सो मच। यू आर मोस्ट वेलकम। वैसे क्या मुझे नौकरी से निकालने वाले हैं? नहीं तो? ठीक है, चलती हूँ, मुझे बहुत काम करना है। आपके पास वो मोटर बाइक कब से है? हमेशा से ही थी। तुम्हें भूख लगी? अरे हाँ, बहुत ज्यादा। आप हंस क्यों रहे हैं? इस्तांबुल की औरतों को भूख नहीं लगती, और वो कभी चाय भी नहीं पीती हैं। वो चाय नहीं पीती? कौन है वो लड़कियाँ जो चाय नहीं पीती? Come on. समंदर कितना अच्छा लग रहा है। हाँ, बहुत ब्यूटीफुल है। Terdeki güvercin, yalıdaki çapkın, kaldırımda baygın, sınırda günaydın. Şarkıdaki serçe, camdaki teyze, uykusuz aşık, sana da günaydın. मुझे एक मिनट के लिए आप सभी का अटेंशन चाहिए। मैं सनम हूँ, दिया तो वन नहीं, सनम हूँ। क्या आप ये रीड कर सकते हैं? सनम है, सनम लिखा है। मेरा नाम सनम है, इसका मतलब सनम। कोई भी मुझे दिया धवन नहीं बुलाएगा। मैं पढ़ के बताऊँ? सनम, मैं दिया धवन नहीं हूँ, मेरा नाम सनम है। सुन रहे हैं आप, सनम नाम है मेरा, सनम। सनम, क्या कर रही हो ये? मैं तो बस अपना काम कर रही हूँ। ये क्या है? ये है मेरा अपना ब्रांड। तुम अपना गुस्सा शांत करो, चलो ठंडा पानी पियो जल्दी। गुलिस, तुमने अमरे को देखा नहीं? अब सब समझ गए होंगे, कोई भी मुझे दिया तरवन नहीं बुलाएगा। तुम ठीक हो? हाँ, मैं ठीक हूँ। मैं हमेशा आपसे टकराती रहती हूँ। क्या ये? ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। अच्छा, लाओ दो मुझे। बेटर होगा कि आप इसे ना देखो। मुझे देखना है कि ये क्या है। मैं आपको नहीं दिखाना चाहती। मुझे देखना है। बेटर होगा कि आप इसे अनदेखा कर दो। जीजे, क्या तुम यहाँ पर आ सकते? क्यों नहीं, उसने बेवकूफ बनाया देखा। सनम दिया धवन, ये
नहीं सनम, देखो अब इसे हर कोई देख सकता है, एंड आई प्रॉमिस आज के बाद तुम्हें कोई दियादवन नहीं बुलाएगा। इसके लिए थैंक यू। टेस्ट किया? आप मेरा मजाक क्यों उड़ाते हैं? मेरे अल्बेट्रोस के बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है? आप क्या सोचते हैं ये मैं नहीं जानती। क्या मैं तुम्हारा मजाक उड़ाता हूँ? अब मुझे कैसे पता होगा आप क्या सोचते हैं? मैं भी नहीं जानता उसके बारे में। वैसे तुम्हारा तो फियांसी है ना, तुम्हें अल्बेट्रोस मिलेगा तो क्या करोगी? उसका मेरी एंगेजमेंट रिंग से कोई लेना देना नहीं है। मैं बस उसे पूछना चाहती हूँ कि तुम्हारे सवालों का जवाब देने वाले को अल्बेट्रोस बुला रही हो? क्योंकि वो मोस्टली इनविजिबल होते हैं, घंटों तक उड़ते रहते हैं। उन्हें तो मैंने भी नहीं देखा है, बस मैंने उनके बारे में एक मैगजीन में पढ़ा है। मैंने देखा है दी मैन? नहीं, अल्बेट्रोस समंदर में। कैसे दिखता है वो? वाइल्ड, बड़े और अकेले। उनके विंग्स बहुत बड़े होते हैं, वो मोनोगैमिक होते हैं और किसी भी खुशबू को वो कभी नहीं भूलते हैं, बल्कि पूरी जिंदगी नहीं भूलते। एनीवे, वो एक वैसे भी बर्ड है और तुम्हारे ब्रांड को वो सूट नहीं करता। थैंक यू। मैं चलती हूं, आप एंजॉय कीजिए। तुम एंजॉय करो। तुमने फिर से रिंग नहीं पहनी? तुम्हें अपने फियांसे की फिक्र नहीं है ना? वो मैं भूल गई थी, मेरा फिंगर जल गया है ना, इसीलिए। क्यों, क्या हुआ? खैर छोड़ो, ड्राइव मैं करूंगा। वैसे भी तुम ड्राइविंग करके थक गई होगी। मैंने कमाल का ड्राइव किया ना? हाँ, तुम कमाल थी। कितना कमाल का रोड चुना है तुमने। इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, आप ही ने कहा था बस। गुड, मेरा मोबाइल नेटवर्क भी नहीं आ रहा है। अब हम क्या करेंगे? अब हम पैदल चलेंगे। कैसे, हम जंगल में खो गए तो हमें यहीं वेट करना चाहिए। और किसका वेट करना चाहिए सनम? डोंट वरी, मुझे रास्ता ढूंढना आता है।
जैकेट और कार की चाबी दोगी? चलो दोस्त, वक्त आ गया रास्ता ढूंढने का। आपसे ज्यादा मुझे इन पत्थरों पे भरोसा है। जल्दी लाओ। हाँ, आ रही हूँ। हमें इस कार को यहीं पे छोड़ना पड़ेगा। आराम से, बी केयरफुल, तुम्हारे शूज व्हाइट हैं, उस रास्ते पर चलो। आराम से चलना, गिर भी सकती हो। वो कितना ब्यूटीफुल है। सनम, तुम्हें नहीं लगता कि इन फ्लावर्स को तोड़ने के अलावा हमारे पास कोई अर्जेंट काम है? मिस्टर जान, ये जंगल में मिलने वाले फ्लावर्स है, ये हर जगह नहीं मिलते, क्या मैं इन्हें रख लूं? वैसे तुम क्या करोगी इनका? अपने लिए परफ्यूम बनाऊंगी। अच्छा, तो तुम्हें परफ्यूम बनाना भी आता है, जैसे ड्राइविंग आती है? मुझे मेरी ग्रैनी ने सिखाया था, मैं इसकी क्रीम बनाऊंगी, वो बोतल वाला परफ्यूम नहीं। इसकी स्मेल बहुत स्ट्रेंज है, वाइल्ड फ्लावर्स जैसी। ये वजह है, इसीलिए तुम इसीलिए मैं क्या? नहीं, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। तुम फ्लावर्स तोड़ो, इकट्ठा करो उन्हें। ऑलराइट, मेरा हो गया है। यहाँ कितने मच्छर हैं। बाइट करते हैं। मिस्टर जान, हम इतने बड़े जंगल में मिस आरजू को कैसे ढूंढेंगे? और हमारे पास उतना समय भी नहीं है। सनम, कोई दिक्कत नहीं होगी, हमारे पास मैप है ना, हम उसे ट्रेस कर लेंगे। जैसा आप चाहो। मेरी साइकिल का कलर बहुत स्ट्रेंज है ना, लेकिन शायद होटल में यही एक होगी। पर मैं साइकिल तेज नहीं चला पाती। मैं भी नहीं चला पाता। अच्छा, क्या हुआ सनम? मैंने इस जगह के बारे में पढ़ा है, क्या हम यहाँ एक मिनट के लिए रुक सकते हैं? ऑफ कोर्स रुक सकते हैं, वैसे भी तुम किसी जगह को देख लो फिर तुम उसे नहीं भूलती ना, लेकिन प्लीज अपना ध्यान रखना, देखो आगे थोड़ा डेंजरस है, गिर सकती हो। ठीक है। ये ब्राइट रॉक है, ये ब्राइट जैसा दिखता है इसीलिए इसका नाम ब्राइट रॉक है। आपको वो स्टोरी पता है? नहीं, स्टोरी तो मुझे नहीं पता है, लेकिन हाँ मैं सुनना जरूर चाहूंगा। ठीक है। एग्वा में एक बेहद ही खूबसूरत लड़की थी, वो अपने शहर से कभी बाहर नहीं गई थी। एक दिन वहाँ एक स्ट्रेंजर आता है, वो स्ट्रेंजर एक शिप का कैप्टन होता है, उसने पूरे दुनिया की पानी पर सैर की थी। दोनों एक दूसरे से मिलते हैं और मिलते ही प्यार हो जाता है, और फिर दोनों एक दूसरे से शादी करना चाहते हैं, लेकिन ऐसा हो नहीं पाता। उसके पापा इस शादी से मना कर देते हैं और फिर वो दोनों भाग जाने का फैसला करते हैं। दोनों के इरादे पक्के होते हैं और फिर वो एक दिन भागने का सोचते हैं। आप छोड़ो, आप बोर हो जाओगे। नहीं नहीं, मैं बोर नहीं हो रहा, मुझे आगे की स्टोरी बताओ। वो लड़की ब्राइडल ड्रेस में कैप्टन से बीच पर मिलने के लिए आती है, उसने वहाँ घंटों तक, कई दिनों तक उसका वेट किया, लेकिन वो कैप्टन उसे मिलने के लिए नहीं आ पाता है, इसलिए वो बर्ड या स्टोन बन जाना चाहती थी।
क्योंकि वो कैप्टन से नहीं मिल पाई थी और इसीलिए ही वो रॉक बन गई थी। सच में सैड है? एक्चुअली नहीं, वो लड़की तो हम दोनों को यहाँ से निकल जाना चाहिए, नहीं तो दिक्कत हो सकती है ना। हमें मिस आरजू को ढूंढना चाहिए। फॉरगेट मिस आरजू, अगर उसे कॉल करना होगा तो जरूर कॉल करेगी। आई डोंट रियली केयर। जान आप? मैं खुद को रोक नहीं पाया। लेकिन ये शायद कोई ख्वाब है। हाँ, तुम सच में ख्वाब देख रही हो। सनम कहाँ हो तुम? संभालो अपने आप को। मैं बहुत खुश हूँ। मैंने तो ये सब सोचा भी नहीं था। देखो, हम दोनों साथ में काम करने वाले हैं, कितनी अच्छी बात है। तो क्या कहती हो, अब हमें खाना ऑर्डर करना चाहिए? मैं खा नहीं सकती, यू नो, डिटॉक्स। ऑलराइट, फिर मैं भी नहीं खाऊंगा, लेकिन स्कॉच तो पी ही सकता हूँ। एक्सक्यूज मी। यस प्लीज। मुझे चाहिए एक स्कॉच एंड वन कप ऑफ कॉफी। इसमें पार्सले, बनाना और एप्पल्स हैं, और इस तरह की ड्रिंक्स डिटॉक्स करती है बॉडी को, तो मैं अक्सर इस तरह के पी। मिस्टर जॉन, आप मिस आरजू के साथ डिनर पे गए थे ना? डिनर पे खाना नहीं खाया, इसलिए यहाँ आ गया। ठीक है। अच्छा, तो ये कौन सी डिश ऑर्डर की है? सैर्डाइन्स। हाँ, सीजन भी है इसका। लेकिन बिना फोर्क और नाइफ के खाना होगा, आप हाथ से तो खा लोगे ना? एक्सक्यूज मी, मुझे भी यही डिश सर्व करना। ऑफ कोर्स सर।
आप ये ट्राई कीजिए। इमिग्रेंट्स लोगों के फोटोज क्लिक करना इजी लगता है क्या, जैसे कि औरतें और बच्चे? हाँ, इतना इजी नहीं है लेकिन हैबिट हो चुकी है। मुझे तो इस्तांबुल में रहना ज्यादा मुश्किल लगता है। देखो ना, दुनिया में इतने सारे प्रॉब्लम्स हैं फिर भी लोग डिटॉक्सेस और बोटॉक्सेस में फंसे रहते हैं। लोग अजीब हो गए हैं। आपको पता है मैं गालापागोस में शिफ्ट होना चाहती हूँ। गालापागोस में? हाँ। लेकिन क्यों, वजह क्या है? गालापागोस ज्यादा मुश्किल नहीं है? मैंने ख्वाब में देखी है ये जगह, और आपको पता है मैं वहां जाकर अपनी नॉवेल लिखने वाली हूँ। बहुत खूब, मैं पढ़ूंगा तुम्हारी लिखी हुई नॉवेल। वैसे गैलापागोस अल्बेट्रोस का मीटिंग पॉइंट है। आई नो। तुम ब्लश कर रही हो सनम, आखिर बात क्या है? पता है तुम एक छोटे बच्चे जैसी हो। मुझे नहीं पता मैंने इसे हाथ में क्यों रखा हुआ है। बेहतर यही होगा कि तुम इसे पहन लो, वरना तुम्हें सर्दी लग जाएगी। शुक्रिया। कभी कभी मुझे लगता है आप बहुत अच्छे इंसान हो, लेकिन फिर लेकिन क्या, मुझे बताओ सनम, आपने लैला को क्यों निकाला? सनम, मैंने लैला को नहीं निकाला, सिर्फ उसका कंप्यूटर एग्जामिन हो रहा था, दैट्स इट। अरे हाँ, आप इतने अच्छे हो कि आप तो बस यहाँ जितने लोग हैं उन सबकी भलाई चाहते हैं। यू आर एन एंजल। तुम साफ साफ क्यों नहीं कहती कि तुम क्या कहना चाहती हो? आखिर मतलब क्या है तुम्हारा? मैं सिर्फ ये कहना चाहती हूँ कि आप मेरे बॉस हो, और मैं जानती हूं कि आपको मुझसे क्या चाहिए। आई सी, आई एम सो सॉरी। अब से मैं तुम्हारे साथ सिर्फ बॉस जैसा ही बिहेव करूंगा, ठीक है? हाँ ठीक है, आ रहा हूं। हाँ आ रहा हूं, कार रेडी है, चलो आ जाओ। शूटिंग खत्म हो गई है, लेकिन मैं आज रात को यही रुकने का कोई ना कोई बहाना ढूंढ लूंगी। बहुत एक्साइटेड हूं। विश्मिलाका, एक मिनट रुको। तुम अब तक यहां क्या कर रही हो? शूटिंग तो खत्म हो गई है ना? मैं बस कॉस्ट्यूम समेट रही हूं। ये फ्लावर क्राउन तुम पे सूट कर रहा है, अब जल्दी से अपना काम करो और जाओ यहाँ से, ठीक है? जा रही हूँ। अर्जुन, इन फोटोज को देख के मुझे बहुत खुशी हो रही है। जस्ट बता दो कि ये सारे फोटोज एकदम परफेक्ट आए। थैंक यू सो मच फॉर एवरीथिंग। जहाँ हम दोनों साथ होंगे वहाँ सब परफेक्ट होगा। ये सारे फोटोज मैं तुम्हें भेज दूंगा, आई एम श्योर तुम थक गई होगी। तुम्हारा ड्राइवर कहाँ है? क्या है ये, तुमने लैपटॉप क्यों बंद कर दिया? क्या तुम यहाँ से मुझे भगाना चाहते हो? नहीं, मेरे कहने का यह मतलब नहीं था, आई एम सॉरी, मैं तो बस। तो भी ठीक है, मेरे पास कल सुबह तक का टाइम है, मैं तुम्हारे गेस्ट हाउस में ही रुक जाती हूँ। मेरा मतलब है कि कुछ घंटों के लिए होटल वापस जाना कोई काम का नहीं है, है ना? हाँ,
गेस्ट रूम तो है यहाँ पर। हाँ ओ सनम, अरे तुम गई नहीं अभी तक? वो इन्हें समेट के मैं बस यहाँ से जा ही रही हूँ। अरे नहीं, तुम सुबह से ही काम कर रही हो, बाकी काम मैं कर लूँ। तुम घर जाओ। हाँ जाओ, तुम घर जाओ, आराम करो, मैं सब मैनेज कर लूंगा। अगर आप कहोगे तो मैं रुक भी सकती हूँ। इसकी कोई जरूरत नहीं है, एक काम करो इसे अंदर रख दो। वैसे भी यहाँ रुककर क्या करोगी तुम? एक काम करो ना, जाकर अच्छा सा मेरे लिए एक वेजिटेबल सूप बना दो, जल्दी करो। तब तक जान और मैं आसमान में सितारे देखते हैं। कम जान, जान जल्दी आओ। बनाती हूँ तुम्हारे लिए परफेक्ट स्ट्रॉबेरी जूस। एक स्ट्रॉबेरी से कुछ नहीं होता, दो तीन स्ट्रॉबेरीज और ऐड कर देती हूँ, थोड़ी सी इचिंग तो वो बर्दाश्त कर ही सकती है। सनम ये तुम क्या कर रही हो? मिस्टर जान, आप कब आए? अभी अभी। मैं मदद कर देती हूँ, लाइए। ओह मेरा जूस। कितना टेस्टी था ये, आई लव्ड इट। सनम ठीक तो? थक गई है ना बेचारी। गुड नाइट सनम, हैव अ स्वीट ड्रीम्स। ठीक है, गुड नाइट। गुड नाइट सनम, टेक केयर। हाय, मैं एहान हूँ, तुम्हारी फैमिली कोच। बोलो। एहान, मैं बहुत बुरी लड़की हूँ, मैंने बहुत गलत काम कर दिया है, गड़बड़ कर दी है। क्या हुआ सनम? मेरे हैंडसम बॉस मिस्टर जान के घर आज एक फोटोशूट था और वो पूरा दिन उस आरजू नाम के मॉडल के पीछे पीछे भाग रहे थे और मुझे इतनी जलन होने लगी कि मैंने उस मॉडल की स्कर्ट पे पैर रख के उसे गिरा दिया। वो तो अच्छा हुआ कि उसका सर नहीं फूटा। उससे अपनी ब्यूटी पर इतना घमंड क्यों है? गॉड नोज, बहुत ही अनोइंग मॉडल है वो, उसे तमीज ही नहीं है बात करने की। सनम देखो, तुम हमेशा बहुत कंफ्यूज रहती हो, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा यार। अयान, उसे स्ट्रॉबेरी से एलर्जी है, मुझे क्या करना चाहिए? जाकर उसे सॉरी बोल दूं? लेकिन वो औरत तो मिस्टर जान की गर्लफ्रेंड बनना चाहती है, वो उसके लायक ही नहीं है, उसे ऐसा करने से कैसे रोकूं? क्या तुम्हें मिस्टर एमरे ने ये सब करने के लिए कहा क्या? नहीं, उन्होंने ऐसा नहीं कहा है, लेकिन मुझे करना है। क्यों? मुझे नहीं पता। देखो सनम, अगर तुम्हें उससे जलन हो रही है और तुम उसे रोकना चाहते हो, इसका मतलब तुम्हें बॉस से प्यार हो गया है। नहीं, लेकिन तुमने तो कहा था कि तुम कभी भी अल्बाट्रोस को धोखा नहीं दोगी, अब क्या हुआ? हा? मैं सिर्फ अपने अल्बाट्रोस से प्यार करती हूँ। मैं तुमसे ये कह रही हूँ क्योंकि मैंने उसके ड्रिंक में स्ट्रॉबेरीज मिक्स कर दी थी और इसी वजह से उसके पूरे बॉडी पर रैशेस आ गए हैं। ये क्या कह रही हो? मेरी बैग, मैं अपनी बैग अंदर भूल आई। बाय सनम, सनम मेरी बात सुनो। कितना सुंदर लग रहा है ना ये आसमान, सरा देखो तो सही ऊपर वहां पर। अर्जु, एक्चुअली मैं बहुत थक गया हूं,
और मुझे नींद भी आ रही है, तो मैं जाकर सोता हूँ। तुम्हें भी रेस्ट करना चाहिए। कितने शर्मीले हो, सच में सोने भी जा रहे हो? थोड़ी देर यहाँ बैठकर एंजॉय करते हैं ना, खुले आसमान को देखकर। अरे नहीं नहीं, एक्चुअली मेरा ऐसा कोई इंटेंशन नहीं है, शायद तुम मुझे गलत समझ रही हो। अच्छा सनम, मिस्टर जान, मैं बस अपना बैग भूल गई थी, वो लेने आई हूँ। मैं अपना बैग लेके आती हूँ, फिर निकल जाऊंगी। बाय। जो मैं काफी थक गया हूँ तो मैं सोने जा रहा हूँ। गुड नाइट, हैव अ सेफ फ्लाइट। आज की रात को मेमोरेबल बनाते हैं, वो भी एक किस के साथ। ओह माय गॉड, कुछ गलत नहीं होना चाहिए, प्लीज। अर्जु, तुम बहुत स्ट्रेंज बिहेव कर रही हो। इतना क्यों शर्मा रहे हो तुम? एक छोटी सी तो किस है, चलो जल्दी करो। अर्जु देखो, मैं ये कह रहा हूँ, तुम्हारे चेहरे पे कुछ। किस, कम ऑन। अर्जु मेरी बात सुनो, देखो तुम्हारे चेहरे पे कुछ तो हो रहा है और ये स्ट्रेंज सा लग रहा है। तुम्हारे चेहरे पे स्वेलिंग भी हो रही है, देखो हमें। क्या मेरे चेहरा? क्या उसने मेरे ड्रिंक में स्ट्रॉबेरी डाल दी? मुझे एलर्जी है। ओह गॉड, मुझे मत देखना, मत देखना, मैं हॉस्पिटल जा रही हूँ, मुझे मत देखना। सनम, सनम तुमने आखिर ऐसा क्यों किया ये बताओ। क्या तुम्हें आरजू से जलन हो रही थी इसलिए? ऐसे नहीं जा सकते। मुझे जाना है। ओके ओके, ठीक है ठीक है। अच्छा सनम, तुम्हें जब पता था कि वो स्ट्रॉबेरी से एलर्जिक है, तो फिर तुम उसके ड्रिंक में स्ट्रॉबेरीज कैसे डाल सकती हो? क्यों किया आखिर तुमने ऐसा? I'm sorry, मुझे नहीं पता था कि ऐसा हो जाएगा। मैंने तो सिर्फ 2-4 स्ट्रॉबेरीज ऐड कर दी थी, मुझे नहीं पता था कि उसका फेस इतना अगली हो जाएगा। 2-3 स्ट्रॉबेरीज ने ही मेरा काम कर दिया। या तो तुम्हारा दिमाग खराब है, या तो फिर तुम मेरा दिमाग खराब करना चाहती हो, हाँ? और मैं तुमसे ये नहीं पूछ रहा हूँ कि आखिर तुमने कितनी स्ट्रॉबेरीज ऐड की थी, मैं पूछ रहा हूँ क्यों ऐड की थी, क्या रीजन था उसके पीछे? मैंने तो आपके लिए किया ये सब। वो सारा दिन आपको तंग करती रही, आप भी गुस्सा हुए थे, लेकिन वो यहाँ से जाने का नाम तक नहीं ले रही थी। मैंने आपको बचाने के लिए ये सब किया। मुझे बचाने के लिए तुमने किया ये सब? तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि मैं अपने खुद का ख्याल नहीं रख सकता हूँ? मैं क्या 5 साल का छोटा बच्चा दिखता हूँ तुम्हें? Yes, you're right. मुझसे गलती हो गई, I'm sorry. मैंने आपकी रोमांटिक नाइट खराब कर दी, I'm sorry. सनम आखिर तुम चाहती क्या हो? मेरी समझ में नहीं आता। तुम कहती हो कि तुम एंगेज हो और फिर तुम अपने एल्बेट्रॉस को भी ढूंढ रही हो। सनम, तुम्हारी ये सब बातें मेरी समझ के बाहर है। और समझने की कोशिश मत कीजिए। आपकी प्राइवेट लाइफ में मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं होना चाहिए और मेरी पर्सनल लाइफ सिर्फ मेरी है, समझे आप? मैं अपने फियांसे से प्यार करती हूँ एंड आई एम हैप्पी। ठीक है, आप मेरे बॉस हैं तो प्लीज मेरी प्राइवेट लाइफ से दूर रहिए और मुझसे सवाल मत पूछिए। हाँ ठीक है, अब से बिल्कुल ऐसा ही रहेगा। ओके,
मैं तुम्हारी प्राइवेट लाइफ से बिल्कुल दूर रहूंगा। ठीक है, टेक केयर। क्या मैं जा सकती हूँ? पता है सैनम ने एक कमाल की जगह बनाई थी स्टोरेज रूम के अंदर, लेकिन मिस चैरन ने जानबूझकर को कैंसिल कर दी। इंस्पेक्शन वालों को दिखाया भी नहीं। ऐसा क्यों किया उन्होंने? पता नहीं, शायद सैनम से उन्हें कोई दिक्कत होगी। हेलो, तुम्हारा कॉल लिया है। इस चूहे का क्या करूं मैं? उसे जाने दो। तो क्या जाने दो इसे मैं? हेलो, चलो कोई बात नहीं, तब मैं इस चूहे को यहीं छोड़ देती हूं। चलो मिस्टर चूहे, अब तुम फ्री हो गए। आ जाओ चूहे, यहां से निकलो। चलो जाओ। सनम, सनम क्या हुआ? सनम, सनम प्लीज मत रो। मेरी बात सुनो, प्लीज रो मत। देखो ये प्लेस बहुत ब्यूटीफुल है, हाँ, एकदम परफेक्ट है, बिल्कुल तुम्हारी तरह। आप भी यहां मेरा मजाक उड़ाने आए हैं ना? सनम, सनम मेरी बात सुनो। सनम, सनम, सनम आ जाओ, मैं घर ड्रॉप कर देता हूं। नहीं, मैं खुद चली जाऊंगी। गुड इवनिंग सनम।
सच में इसकी कोई जरूरत नहीं है, आप अपना काम कर लो, जाइए अपना काम कीजिए। सनम तुम गाड़ी में अंदर आकर बैठोगी या फिर मैं बाहर आऊं? मेरी बस आ गई है। तुम ठीक हो? नहीं, मैं ठीक नहीं हूं। हाँ, तुम ठीक हो ना? मैं ठीक नहीं हूं और मुझे ये बात आपसे डिस्कस नहीं करनी। क्या डिस्कस नहीं करना है? काम की बात। हाँ, आपने कुछ और सुना? मुझे तुम्हारा जवाब जानना है। ठीक है, मुझे इसके बारे में बात नहीं करनी, बस काम की बात कीजिए। अच्छा, ये बताओ तुम मुझसे कुछ और बात करना चाहती हो काम के अलावा? काम के अलावा? हाँ, काम के अलावा। नहीं। मिस्टर जॉन? सनम? आप यहां क्या कर रहे हो? ये बात मुझे तुमसे पूछनी चाहिए। क्या मैं इस शूट की मॉडल हूं? हाँ, और मैं इस शूट का फोटोग्राफर। मितिन। ओ अच्छा, तो आप फोटोग्राफर हो? ओके, आई एम सॉरी। सनम, मेरी बात सुनो, प्लीज रुक जाओ। कहाँ जा रही हो? मिस्टर जान, मैं बहुत स्ट्रेस में हूँ, ये मेरे बस की बात नहीं है, मॉडलिंग नहीं कर सकती मैं, एक्सक्यूज मी, मुझे माफ कर दीजिए। एक मिनट, मेरी बात सुनो। ओके, एक्चुअली हम लोग ये चैरिटी इवेंट कर रहे हैं, ठीक है? जो भी प्रॉफिट होगा उसे हम डोनेट कर देंगे। और इस कैंपेन में तुम्हें ज्यादा कुछ भी नहीं करना है, मुझे सिर्फ कुछ फोटोज निकालनी है। हम यहाँ पे फोटोज क्लिक करेंगे, वहाँ पर चेंजिंग रूम है, सब कुछ बहुत आसान है। हाँ? किस तरफ? वहाँ। थैंक यू सो मच। वैसे यू लुक वेरी प्रिटी, लेकिन तुम्हें एक काम करना होगा कि तुम्हें अपनी रिंग निकालनी होगी। एक्चुअली तुम्हें कंस्ट्रक्टर वर्कर का रोल कर रही हो और तुमने जो रिंग पहनी हुई है वो एक्चुअली कोई क्वीन ही पहन सकती है, तो प्लीज उसे निकाल दो। ऑफ कोर्स। क्या तुम वेल्डिंग मशीन के पास बैठ सकती हो? थोड़ा रिलैक्स हो जाओ, जितना कंफर्टेबल दिखोगी उतना अच्छा है। वहां जो भी कुछ रखा हुआ है उसे चेक कर सकती हो या फिर देख सकती हो या यूज कर सकती हो। ओह, क्लिक हुआ ठीक से? नहीं, क्लिक तो नहीं हो पाया। एक्चुअली मुझे तुम्हारी नेचुरल स्माइल चाहिए, बस कंफर्टेबल रहो, देख के ऐसा लगना चाहिए कि तुम ये काम रोज करती हो। नहीं नहीं, ऐसे स्माइल नहीं, जितना नेचुरल रखोगी उतना अच्छा है, रिलैक्स वाला। सनम, तुम्हें बताओ क्या ये तुम्हारी नेचुरल स्माइल है? तो फिर मैं कैसे स्माइल करती हूँ मिस्टर जॉन? तुम्हारी स्माइल बहुत चार्मिंग और ब्यूटीफुल है, और वो स्माइल तभी आएगी जब तुम कंफर्टेबल रहोगी, जैसा कि तुम ऑफिस में रहती हो। ये सब नहीं कर पाऊंगी मैं मिस्टर जॉन। तुम इतने स्ट्रेस में क्यों दिख रही हो? ऐसा सोचो कि मैं यहां पर नहीं हूं, कोई भी नहीं है यहां पर, सिर्फ अपनी आंखें बंद करो और थोड़ा रिलैक्स होने की कोशिश करो। ऐसा सोचो कि तुम एक ड्रीम में हो और तुम मुझसे देख रही हो जिसे तुम पाना चाहती हो, और वो तुम्हें मिल गया है और अब तुम बहुत खुश हो। La 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 la
चलो अब हम उस जगह पर चलते हैं जहां पर वो व्हीकल है। ठीक है, अंदर। मैं तुम्हारी मदद करूं? नहीं, मैं खुद कर लूंगी। ओके। ये क्या बात है, एक कंस्ट्रक्शन वर्कर से ये पूछ रहे हो कि तुम्हें हेल्प चाहिए? ओके, आई एम रेडी। ओके, गुड। ओके, हमें इसके शॉट्स मिल गए, चलो अब चेंज करते हैं। हाँ ठीक है। मुझे पता है कि तुम्हें हेल्प नहीं चाहिए होगी, लेकिन फिर भी पूछ लेता हूँ। नहीं, मुझे हेल्प नहीं चाहिए। तुम ठीक हो? हाँ ठीक हूँ। चलो अब चलते हैं, लेकिन पहले आप मुझे नीचे उतारिए। एक मिनट, क्या तुम ऐसे ही बाहर जाने वाली हो? ओह, मैं तो भूल ही गई थी। एक मिनट, मैं अभी चेंज करके आती हूँ, आप प्लीज मेरा वेट कीजिए। ओके, थैंक यू। Bless your hands. जगह एंजॉय करो। तुम्हें ऐसे फिश फैंसी रेस्टोरेंट में कभी नहीं मिल सकती, कभी नहीं मिल सकती। वैसे मैं ऐसे रेस्टोरेंट में कभी गई नहीं हूँ, बस मैंने अज्यूम कर लिया। तो क्या ये भी प्योर लक बाय चांस था? क्या तुमने अगला में कहा था ना कि तुम किस्मत पर भरोसा करती हो, तो आर यू ऑलवेज लाइक दिस? मेरा मतलब है कि क्या तुम अपने दिल की करती हो या फिर वो करती हो जो तुम्हारी किस्मत में लिखा है? मिस्टर जान, आप ये ऐसी दिल दुखाने वाली बातें क्यों करते हैं?
मैं चुप रहूं तो प्रॉब्लम होती है आपको, मैं बोलूं तो प्रॉब्लम होती है आपको, आप ये हमेशा ऐसा क्यों करते हैं? प्लीज बताइए मुझे, आप जवाब क्यों नहीं दे रहे? बताइए आपकी प्रॉब्लम क्या है? सनम, तुमने मेरी बात का जवाब नहीं दिया। क्या तुम लक बाई चांस में बिलीव रखती हो? हाँ सही कहा आपने, आप यही सुनना चाहते हैं ना? नहीं, मैं वो सुनना चाहता हूँ जो तुम कहना चाहती हो। मेरा दिल और मत दुखाइए, इस बात को यही खत्म कर लीजिए, और आप प्लीज मुझे ज्यादा अपसेट मत करो। ठीक है, हाँ डेरन बोलो। मिस्टर जान, हम पहुंच गए हैं, आप कहाँ हो? मैं तो पार्टी के बारे में भूल ही गया था बिल्कुल। ये आप क्या कह रहे हैं, कहाँ हैं आप? समंदर के बीचों बीच फिशरमैन बोट पर। मिस्टर जान, आई कांट बिलीव दिस, आप हमारे बॉस की पार्टी को छोड़कर किसी बीच समंदर में हैं, यहाँ लोग आ गए हैं, मेरा दिमाग खराब अच्छा, हो रहा ठीक है। ठीक है मैं आता हूँ वहाँ पर अभी। प्लीज मिस्टर जान बी क्विक, मैं सब कुछ तब तक संभालती हूँ। और हाँ मिस्टर जान, ड्रेस कोड याद है ना? ब्लैक सूट, ओके? हाँ हाँ याद है मुझे। मेरी पार्टी में इस तरह लेट आ रही है? कोई खास नहीं, बस एक एम्प्लॉय है। स्टाफ है? क्या मैं अभी वहां जाकर उनसे मिल सकता हूँ? लेकिन आपको तो ये सब पसंद नहीं है ना, आप ही ने मुझसे कहा था। अच्छा आपको याद है? हाँ सब याद रहता है। I'm impressed. हाँ। ओके, थोड़ी देर में मिलते हैं हम लोग। मिलते हैं, चाओ। See you. मिस्टर जान, आप अभी तक कहाँ थे? आप इतने टेंशन में क्यों हो? नहीं नहीं, मैं तो सिर्फ मजाक कर रहा था उससे। ये बताओ कि तुमने उससे क्या कहा? नहीं, मैंने उससे वही कहा जो मुझे उससे बोलना चाहिए था, तभी वो यहाँ पर है। इतनी खुजली क्यों हो रही नहीं, है इसमें? नहीं, पता नहीं कितनी गर्मी है, शायद वो कीड़ा फंस गया है। की वजह से हुआ। सनीम, ओ तेरी, तुम इस ड्रेस में तो बिल्कुल कमाल की लग रही हो। मेरे तो होश ही उड़ गए, लेकिन तुम्हें पता है तुम बहुत ही बड़ी गलती कर रही हो। इतनी ब्यूटीफुल लग रही हो कि सबका ध्यान सिर्फ तुम पर होगा। मुझे लगता है कि तुम्हें ये नहीं करना चाहिए था जो कि तुमने किया है। तुम्हारी रिंग कहाँ है? घर पर। इतनी अच्छी ड्रेस तुम्हारी फियांसे ने दी है? हाँ। वो कहाँ पर है? वो उसके घर पर है। वो निशान तासी में रहता है। वो तुम्हारे साथ क्यों नहीं आया? क्योंकि आजकल वो गायब हो गया है ना, इसीलिए। बहुत ही बढ़िया जोक था। तुम ऐसे अगर जोक सुनाती रही तो पार्टी मस्त हो जाएगी। क्या तुम मेरे साथ डांस करोगी? नहीं नहीं, मेरा मन नहीं है। मिस्टर जान, चलिए हम भी डांस करते हैं। धीरन, तुम्हें पता है मुझे डांस करना नहीं आता। ठीक है,
हेलो, आई एम एल्सो, एल्सो फैब्री। सनम, क्या आप मेरे साथ डांस करना चाहते हैं? मैं मिस सैनम के साथ डांस करना चाहता हूँ। अगला टर्न तुम्हारा है, आई प्रॉमिस। श्योर, नो प्रॉब्लम। मुझे तो डांस करना बहुत पसंद है। एक्चुअली मैं ठीक है, समझ गई। मिस सैनम, लैला लैला, तुमने कुछ देखा भी या नहीं? उधर देखो, सैनम को अपनी पोजीशन के हिसाब से मेरे साथ डांस करना चाहिए था, लेकिन वो है कि बिग बॉस के साथ डांस कर रही है। तुम्हारी बहन आग से खेल रही है। उसकी नौकरी तो गई, मेरी बात याद रखना, उसकी नौकरी गई। वो देखो देखो कैसे डांस कर रही है, ऐसे कोई करता है क्या? आई होप मेरी टेंशन दूर हो जाएगी। सैनम, उसे कुछ समझ नहीं आता, कब कहां कैसे बिहेव करना है। उसने आज तक नहीं सीखा। क्या उसे ये सब सच में नहीं मालूम? तुम पार्टी एंजॉय कर रही हो ना? उसके पार्टनर ने कहा है कि प्रोजेक्ट हमें ही मिलेगा। वो डांसिंग से फ्री हो जाए फिर जाकर मिलती हूँ उनसे। वैसे वो लड़की कौन है? सनम। तो वो सनम है। तुमने मुझे कभी बताया नहीं कि वो इतनी ब्यूटीफुल है, इसलिए तुम हमेशा उसकी तारीफ करते हो। आइलिन, वो सिर्फ एम्प्लॉय है, उसके आगे और कुछ नहीं है। लेकिन उसने मेरी ड्रेसेस ज्यादा एक्सपेंसिव ड्रेस पहनी है। तो हम बाद में डिस्कस करेंगे। ठीक है, जरूर करेंगे। Hey, सीनियर फैब्री, क्या मैं इनके साथ डांस कर सकता हूँ? Yes, sure. Oh, म्यूजिक स्टॉप हो गया। कोई बात नहीं, थोड़ी देर बाद डांस कर लेना। वैसे भी मुझे आपसे कुछ बात करनी थी, अगर आप बुरा ना माने मिस सैनम, तो मैं इनसे बात कर लूँ? हाँ चलिए बात करते हैं। Excuse me. हम मिस एलिन को ये प्रोजेक्ट देने का डिसीजन ले रहे हैं क्योंकि हम एक यंग, हार्ड वर्किंग और एम्बिशियस लेडी को सपोर्ट करना चाहते हैं, और मेरे ख्याल से आप लोग भी चाहेंगे कि इनको सपोर्ट करना चाहिए। लेकिन जब मुझे पता लगा कि जान फ्री में वुमेन्स राइट एसोसिएशन के लिए कैंपेन रेडी कर रहे हैं, तो मैंने अपना डिसीजन चेंज कर लिया है इनके लिए। लेकिन आपको कैसे पता लगा? वेल, आपके पार्टनर ने मेरे पार्टनर को बताई ये बात, ऐसा ही है ना? मिस्टर जॉन भी हमेशा ऐसे एसोसिएशंस को हेल्प करते रहते हैं, लेकिन कभी अनाउंस नहीं करते पब्लिक में। मैं बिना टाइम वेस्ट किए गुड न्यूज देता हूँ आप सबको कि द जॉब इज योर्स। कांग्रेचुलेशन। थैंक यू सो मच, कांग्रेचुलेशंस। वेलकम। थैंक यू आज के ओकेशन पर हमारे साथ शामिल होने के लिए। जैसा कि आप जानते हैं, हम 38 कंट्रीज से 340 ब्रांड्स को रिप्रेजेंट करते हैं। 38 नहीं, 39 कंट्रीज। हाँ, जापान 39th कंट्री है लिस्ट में, लास्ट मंथ ही ऐड हुई है। अब मिस सनम, आप हमारी कंपनी के बारे में बहुत कुछ जानती हैं। ब्रावो। या सनम इज फेनोमिनल, ब्रावो। मिस सनम, क्या आप कुछ और कहना चाहेंगे हमारी कंपनी के बारे में? आपके परफ्यूम की डिमांड जितनी फ्रांस में है उतनी डेनमार्क में नहीं है, क्योंकि दोनों कंट्रीज का क्लाइमेट मैच नहीं होता, इसलिए सेल्स भी मैच नहीं होते। आपको लेवेंडर ऑयल थोड़ा कम यूज करना चाहिए। आप परफ्यूम का काम करती हैं? नहीं, मैं एक ग्रोसर हूँ। ग्रोसर मतलब? मतलब मैं ये सब इसीलिए जानती हूँ क्योंकि मैं अपने परफ्यूम्स खुद बनाती हूँ।
मैं तुमसे तुम्हारे परफ्यूम का ब्रांड पूछने वाला था। ये बहुत हो रहा है। कंग्रेचुलेशंस वंस अगेन। कंग्रेचुलेशंस। आई होप ये प्रोजेक्ट हमारी लाइफ का एक पॉजिटिव साइन है और फिर हमें कॉन्ट्रैक्ट भी तो साइन करना है। हाँ हाँ, जब चाहो। मुझे भी उनसे जाकर के मिलना है। थैंक यू जेजे, बस हो गया ना। तुमने मुझे क्यों नहीं बताया कि तुम फोटोशूट के लिए गई थी? मुझे क्या पता था कि मिस्टर जान भी वहां होंगे? उसने तुम्हारा, विमेंस एसोसिएशन का सबका फायदा उठाया। कैसे? और वो ये सब क्यों करेंगे? वो जानता था हमारे पॉइंट्स बहुत कम थे और इस जॉब को हासिल करने के लिए उसने विमेंस एसोसिएशन वाला कैंपेन करके मैथिन के थ्रू मिस्टर फेब्री तक न्यूज पहुंचा दी। और फिर तुमने देखा कि क्या हुआ। बहुत बढ़िया सनम, तुमने बहुत अच्छा काम किया। थैंक यू सो मच। मिस सनम, मुझे जाना होगा। पार्टी अभी खत्म नहीं हुई है, देखो सब लोग अभी तो यहीं पे हैं। मैं जाना चाहती हूँ। सनम, मुझे आपके परफ्यूम से रिलेटेड कुछ बात करनी थी, प्लीज। हमारे दिल की आवाज ही होती है जो हमें बहकाती है, जैसे फेरी टेल्स में होता है। कुछ मेन किंग्स होते हैं जो अपने चार्म से प्रिंसेस को इनवाइट करके उनका दिल तोड़ देते हैं, और वो प्रिंसेस ये सब जानते हुए भी उनके बहकावे में आ जाती है, जैसे वो कोई भयानक जंगल में खो जाती है। मेरी फेरी टेल्स में ये सब क्या हो रहा है? लग बाय चांस जो एक्सेप्ट करूं, या फिर अपने किंग के रास्ते चलूं जहां शायद मेरा दिल टूट सकता है? मिस्टर जान, एक मिनट। एक मिनट रुकिए प्लीज। मैं ये सब बर्दाश्त नहीं कर सकता। मिस्टर जान स्टॉप, आपने ऐसा क्यों किया? वो तुम्हें घूर रहा था और तुम्हें अजीब तरीके से छूने की कोशिश भी कर रहा था। लेकिन वहां पर ऐसा कुछ नहीं हुआ था, हम सिर्फ बात कर रहे थे। और अभी तक आपने कॉन्ट्रैक्ट भी साइन नहीं किया है, इसलिए मैंने। आई डोंट केयर, मुझे फर्क नहीं पड़ता। वो जिस तरीके से तुमसे वो कंपनी के किसी एम्प्लॉय से ऐसे बिहेव नहीं कर सकता है। उसका बिहेवियर बहुत अनप्रोफेशनल था। रियली? आपने ऐसा क्यों किया? वैसे मैं अपना ख्याल रख सकती हूँ, मुझे नहीं चाहिए आपका स्पेशल प्रोटेक्शन। और वैसे भी कुछ नहीं हुआ था। अगर आप ऐसे बिहेव करोगे तो प्रोजेक्ट्स कैसे मिलेंगे हमें? कस्टमर को डांट कर, धमका कर, पार्टी से ऐसे चले जाना, आपका ऐसा एरोगेंट बिहेवियर ठीक नहीं है ये बिजनेस के लिए। चलिए वापस चलते हैं। नहीं, तुम चलो मेरे साथ। ठीक है, कहाँ जाएं हम? वैसे भी मुझे ऐसी फैंसी पार्टीज अच्छी नहीं लगती। कौन सी जगह है ये? ये मेरा कैबिन है, स्टूडियो है यहाँ मेरा, हालांकि थोड़ा अनऑर्गेनाइज्ड है।
वुड फायर वाला ग्रिल में वो नहीं बनाओगे आप? हाँ, वैसे अगर तुम चाहो तो हम रेस्टोरेंट भी चल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नो नो, दिस इज परफेक्ट। ठीक है, मैं चेंज कर लेता हूँ, तुम भी चेंज कर लो, कोई टी शर्ट पहन लो, कम्फर्टेबल हो जाओ। तो मैं इसी की बात कर रहा था। कितनी सुंदर है ये जगह। हाँ, ये जगह मैंने खुद के लिए बनाई है। जब भी मुझे रिलैक्स करना होता है तो मैं अपना फोन ऑफ करके यहाँ पर चलाता हूँ, मुझे काफी अच्छा लगता है। You are lucky. मैं यहाँ काम भी करता हूँ, जब भी मुझे कभी फोटो शूट करना होता है तो मैं इसे स्टूडियो की तरह यूज करता हूँ। क्या मैं अभी वो सब फोटोज देख सकती हूँ? ऑफ कोर्स देख सकती हूँ, लेकिन आज नहीं, मैं कैंपेन के लिए फोटोज प्रिंट करवाने वाला हूँ और इसलिए तुम उसे अभी नहीं देख लेकिन सकती। वो मेरी फोटोज है, मुझे देखनी है प्लीज। मेरी फोटो जब तक प्रिंट ना हो जाए मैं उसे किसी को भी नहीं दिखाता, ये मेरा रूल है। ठीक है, मेरे कपड़े यहाँ पर रखे हुए हैं, तुम भी अपने लिए कोई टी शर्ट देख लो और चेंज कर लो। आई थिंक ये जगह तुम्हें बहुत अच्छी लगी। ठीक है, काफी क्यूट दिख रही हो तुम इसमें। मैं जाकर लकड़ी लेकर आता हूँ। ठीक है। वहाँ पीछे वाले गार्डन का ध्यान रफत भाई रखते हैं और तुम वहाँ से टमेटोज और वेजिटेबल्स ला सकती हो। तब तक मैं सैलेड बना लेती हूँ। हाँ ठीक है, तुम सैलेड बनाओ, मैं मीट बनाता हूँ। ठीक है, अंदर से बास्केट ले लो। ठीक है। अच्छा डांस कर लेती हो तुम? हॉबी हॉबी
एक बात कहूं तुमसे, तुम हमेशा मुझे सरप्राइज कर देती हो। सनम आखिर तुम अपने आप को शर्मिंदा करना कब बंद करोगी? और वैसे भी इस मूड से बाहर आना है, कितना डिफिकल्ट है ये। गॉड प्लीज हेल्प मी। इट स्मेल्स सो गुड। अच्छा सुनो, मीट तो ऑलमोस्ट रेडी हो गया है। वैसे तुम ड्रिंक्स में क्या लोगी? तुम वाइन पीती हो? नहीं, उससे मेरे पेट में दर्द होता है और वाइन पीने के बाद मैं थोड़ी ज्यादा बोलने लगती हूँ। उसमें क्या दिक्कत है? कैसा है? बहुत अच्छा, बहुत ही टेस्टी है। आपको पता है मैं इतने टेस्टी मीट को क्या बुलाती हूँ? नहीं रहने दो, आप मेरा मजाक उड़ाओगे। नहीं नहीं बताओ तुम क्या बुलाती हो, मैं तुम्हारा मजाक नहीं उड़ाऊंगा, पक्का। मैं इतने टेस्टी मीट को बुलाती हूँ। हाँ हाँ बोलो बोलो। बेबिश बुलाती हूँ। क्या बोला तुमने? बेबिश। ये मेरी आदत है, मैं बचपन से ही हर टेस्टी चीज को बेबिश बुलाती हूँ। और उस्मान ने अगर आपको ऐसे कुक करते हुए देखा तो वो जेलस फील करेगा। उस्मान कौन? वो हमारे मोहल्ले में रहने वाला है और वो मीट ग्रिल करने में बहुत एक्सपर्ट है। आप अयान से मिले थे ना? उस्मान उसका भाई है। हम साथ साथ बड़े हुए हैं और मेरा बचपन से ही उनके घर आना जाना रहा है। और बचपन के दिन भी क्या दिन थे। लेकिन आज तो मजा ही आ गया। ठीक है, मैं प्रिंटिंग प्रोसेस करने जा रहा हूँ, उसके बाद मैं तुम्हें घर ड्रॉप कर दूंगा। वेरी गुड। क्या मैं वो फोटोज देख सकती हूँ? देखो सना, मैंने तुमसे कहा ना, नो वन इज अलाउड। गुड आइडिया। आ गया बस मेरा घर। थैंक यू फॉर मील एंड एवरीथिंग। थैंक यू सो मच। तुम आई, मुझे सच में बहुत अच्छा लगा। लेट मी हेल्प यू। थैंक यू सो मच।
मैं चली जाऊंगी। Thank you. I want to raise a toast for you two guys. आजकल कहाँ मिलते हैं ऐसे passionate lovers? बहुत मुश्किल से मिलते हैं ऐसे लोग। Miss Sanam, आपने अभी तक नहीं उठाया अपना जाम? नहीं नहीं, ये अच्छा आइडिया नहीं है, उसके लिए ये पीना अच्छा नहीं है। ओह, ये बात है। वैसे भी आजकल मेरे लिए बहुत सारी बातें अच्छी नहीं है। तुम्हें यहाँ अच्छा तो लग रहा है ना हनी, तुम यहाँ पर कम्फर्टेबल तो हो ना? Yes, honey, everything is fine. My pleasure. सुनकर अच्छा लगा। हमेशा खुश रहा करो। वैसे मैं पूछना चाहता हूँ आप लोगों से कि आप लोग कहाँ मिले एक दूसरे? I mean, मुलाकात कैसे हुई? पेरिस। कैसरी। फ्रांस, पेरिस, कैसरी, ये आसपास में है? कैसरी यही है, टर्की में। कैसरी में? हाँ, हम कैसरी में मिले थे। तुम यही बताना चाहती हो ना हनी? उन्हें बताना हम कैसे मिले थे पहली बार और कितने अच्छे पल बिताए थे हमने वहाँ पर कैसरी में, है ना? तुम बताओगे तो ज्यादा अच्छा होगा। मुझे लगता है तुम अच्छे से बता पाओगी। ओके, प्लीज। कैसरी के एक रेस्टोरेंट में मैं डंपलिंग्स खा रही थी। डंपलिंग? कैसरी में डंपलिंग्स खा रही थी? हाँ, वहाँ डंपलिंग्स कमाल के हैं। और तभी मैंने मिस्टर जान को देखा और फिर मैं बस उन्हें देखती ही रह गई। हाँ, रोमांटिक। अब आप इसके आगे सुनना कि क्या होता है, बताओ हनी। सारे डंपलिंग्स खत्म हो गए थे। अच्छा, वहाँ रेस्टोरेंट में सारे डंपलिंग्स खत्म हो गए थे? हाँ, ऐसा ही हुआ था। इंटरेस्टिंग। हाँ, उन्हें बहुत भूख लगी थी लेकिन फिर रेस्टोरेंट के ओनर ने उन्हें अंदर आने नहीं दिया था और मेरे प्लेट्स में जितने डंपलिंग्स थे वो सारे खत्म होने लगे थे और फिर वो मेरी तरफ देखे जा रहे हैं, मैं उनकी तरफ देख रही थी और फिर वो जिद करने लगे कि मुझे अंदर आना है। मैंने उनकी तरफ देखा और मिस्टर जान बहुत ही बेचारे लग रहे थे। बेचारे। बेचारा। बेचारे। ब्रावो, ब्रावो, सही कहा आपने। फिर मैंने अपने डंपलिंग्स उनके साथ शेयर कर लिए क्योंकि आई लव हिम, है ना जान? जान का मतलब है प्यार, बहुत सारा प्यार जब आपको हो जाता है। हाँ, लव, लव। हाँ, बहुत सारा प्यार। लव, मेरे नाम का ये मतलब है। रियली रोमांटिक, वेरी रोमांटिक। अब पेरिस कैसा था? अब तुम्हें कुछ बताना है हनी? बताता हूँ, सब डिटेल में बताता हूँ आपको। एक्चुअली मैं वहाँ काम से गया था। वर्कहॉलिक। हाँ, वर्कहॉलिक। मैं रात में वॉक कर रहा था जैसा कि मैं काम के बाद करता हूँ और अचानक से बारिश होने लगी। बारिश, बहुत ज्यादा बारिश हो रही थी। हाँ, बहुत बारिश हो रही थी, बहुत ज्यादा। और पेरिस में बारिश कमाल की होती है। और मैं एक मूवी थिएटर के पास से गुजर रहा था। इन्हें मूवीज देखना पसंद है। He is really an art lover, you know? तो मैं वहाँ पर टिकट की लाइन में वेट कर रहा था और फिर मेरे आगे जो लड़की खड़ी थी उसके पास से कमाल की खुशबू आ रही थी। मुझे अब भी याद है और मुझे ऐसा लगा कि सब कुछ रुक गया है। वहां थोड़ा अंधेरा भी था तो मैं उस लड़की को ठीक से देख नहीं पाया, लेकिन फिर उसने पलट कर देखा और जैसे ही थोड़ी देर के लिए हमारी आंखें मिली, मैंने देखा कि वो सनम है। सनम? मैंने उसकी आंखों में देखा और बोला कि हम तो मिल चुके हैं। और फिर इसने मुझसे पूछा कहाँ, और मैंने बोला तुम्हें याद है हम डंपलिंग वाले रेस्टोरेंट में मिले थे। कैसरी में, राइट। और उसी दिन से मुझे इसकी खुशबू और इसकी एडिक्शन सी हो गई जिसके बिना मैं नहीं जी सकता। ओ, ऐसा तो सिर्फ फिल्मों में होता है। मिस्टर जान, Thank you for sharing your love story. It's really heart touching, you know. Toast ho jaye. Kaiseri se apple tak. Ye dumplings ko garlic yogurt mein dip karke khana pasand karte hain. Yes, mera favorite hai. Mujhe bahut zyada pasand hai. Plate saaf kar dete hain. I can imagine.
हम अब अपने दिन के आखिरी गेम में पहुंच चुके हैं। हमने कुछ टेंस मोमेंट भी देखे हैं, तो इससे मुझे बहुत दुख हुआ। जैसे कि जरा संभल कर खेलना चाहिए था हमें, क्योंकि हम बच्चों की तरह हरकतें तो नहीं कर सकते हैं। हमें बैडमिंटन खेलने के लिए मिले हैं, ना कि एक दूसरे पर फेंकने के लिए। समझ में आया? आपको शर्म आनी चाहिए ऐसी हरकतें करने के लिए। मिस्टर हेमरे, ये सब मैं आपकी टीम के लिए नहीं कह रहा हूँ, वो लोग तो खुद ही जानते हैं। मैं तो बाकी को बोल रहा हूँ। मिस्टर जान, हम आ गए। हाँ, मैं थोड़ी देर में आता हूँ। ठीक है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। ये फाइनल रेस है, इसके लिए मैं अपनी दोस्त सैनम को बुला रहा हूँ और उनको टक्कर देंगी आयलिन, जो कि दूसरी टीम से है। उनका स्वागत करेंगे हम लोग। पर मुझे नहीं खेलना है, प्लीज। जाओ, ज्यादा नखरे मत दिखाओ, जाओ जाओ जाओ। हाँ, तो इनकी आंखों पर पट्टी बांधी जाए। अब हम 6 लोगों को बुलाएंगे हर एक टीम के लिए। 3 अपनी टीम से और 3 विरोधी टीम से होंगे, तो कुल मिला के 6 लोग होंगे। जी दोस्तों, इसमें 6 लोग होंगे। आप क्यों आगे नहीं आ रहे? इस गेम में आपको टच करके पहचानना है कि सामने वाला कौन है, और जो सबसे ज्यादा लोगों को टच करके पहचानेगा वो इस गेम में जीतेगा। हाँ, तो अब सब लोग खामोश हो जाएंगे ताकि किसी को भी पता ना चले कि कौन है सामने वाला, वरना ये चीटिंग कहलाएगी। आप हंस क्यों रहे? जरा हमें बताएंगे क्यों हंस रहे हैं, ताकि हम भी हंस सके। अब आप लोग समझ ही गए होंगे कि आपको कैसे हाथ लगा करके अपने साथी को पहचानना है। आखिरी राउंड है, फैसला करेगा। ओके, तो अब हम ये खेल शुरू करने वाले हैं। कोई भी कोई चीटिंग नहीं करेगा, नहीं तो पॉइंट कट जाएंगे। चलो शुरू करो। मुझे नहीं पता, उसने कहा वो नहीं जानती। ठीक है, एमरे कहा बिल्कुल सही है। मिस आयलिन खेल जीत चुकी है, आपको मुबारक हो। नहीं नहीं, शुक्रिया कहने की कोई जरूरत नहीं है। आपको ये जीत बहुत बहुत मुबारक हो, आप ये खेल जीतती हैं। तो अब हम फिर से मिलेंगे इसी जगह पर डिनर की पार्टी के बाद। ये ना भूलने वाली पार्टी होगी।
सनम, तुम इस वक्त यहाँ पर क्या कर रही हो? सब ठीक तो है? वो मिस्टर जॉन, मुझे आपसे बात करनी है, क्या मैं अंदर आ सकती हूँ? हाँ हाँ आ सकती हो, आ जाओ। मुझे कुछ कन्फेस करना है। हाँ बोलो। जब आपने कहा मेरी वहां आना एक गलती थी, तो मैंने आपके साथ अजीब बिहेव किया था। और जब मैंने कहा कि आप चाहे तो मैं रुक सकती हूँ, वो मैं बिजनेस की बात नहीं कर रही थी। और वो बाय द वे, आपने मेरे फोटोज बहुत अच्छे खींचे हैं। मैं बस यही कहना चाहती थी। आप हंस क्यों रहे? लेकिन आपको तो ये सब पसंद नहीं है ना? मैंने इससे पहले ऐसा कभी फील नहीं किया है। मेरे हाथ पैर कांप रहे हैं। मैं देखिए कुछ अर्जेंट होगा। हाँ बोलो। मिस्टर जॉन, टीवी चालू कीजिए जल्दी, अभी इसी वक्त। हाँ हाँ करता हूँ। I'm sorry, लगता है कुछ अर्जेंट है। अभी अभी हमें सूत्रों से खबर मिली है कि जॉन डेविड की नई कैंपेन जैसी एक कैंपेन दरअसल एक साल पहले ही एक वेबसाइट पर अपलोड हो चुकी थी। मिस्टर जॉन डेविड और उनकी कंपनी कॉपीराइट इश्यूज में फंस सकती हैं। कोई मेरा करियर खराब करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन मिस्टर जॉन, ये कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है। आइडियाज थोड़े से सिमिलर तो हो ही सकते हैं ना, हम कहीं से इंस्पिरेशन तो लेते ही हैं। सनम तुम मुझे देखो, देखो मुझे, मुझे देख के लगता है कि मैं किसी का आइडिया कॉपी करूंगा? क्या मैं ऐसा हूँ? बताओ, तुम्हें बताओ सनम। नहीं नहीं, मेरे कहने का वो मतलब नहीं था। हम वो वेबसाइट देखते हैं, उन्हें कॉल करते हैं, उसके बाद पता चलेगा और तभी हम उनके अगेंस्ट कंप्लेन कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए हमें उनसे पहले बात करनी होगी। मिस्टर जॉन, सनम उससे क्या हो जाएगा? मेरी बेइज्जती तो हो गई ना, हा? अब मैं कैसे प्रूफ करूंगा कि मेरी कोई गलती नहीं है? और जब तक ये केस कोर्ट में सॉल्व नहीं होता, तब तक तो मेरा करियर बर्बाद ही हो गया ना। कोई मुझे फंसाने की कोशिश कर रहा है, ये एक साजिश, मेरे करियर को बर्बाद करने की साजिश। किसी ने अच्छे से सोच समझ के ये सब कुछ प्लान किया है, ये कोई कोइंसिडेंस नहीं है। लेकिन मिस्टर जॉन, सनम 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 मेरी बात सुनो एक मिनट के लिए प्लीज, मुझे थोड़ा सोचने दो, मुझे वक्त दो, मुझे थोड़ी देर के लिए अकेला छोड़ दो प्लीज, थोड़ी देर के लिए। सनम प्लीज, मुझे थोड़ा वक्त चाहिए, बाद में मैं ठीक हो जाऊंगा। लेकिन वो मैं सनम सनम प्लीज सुन जाओ। ऑलराइट, तुम ठीक हो? थोड़ी, ये लिंडन टी काफी अच्छी है। थैंक यू। यू वेलकम। तो सनम, तुमने मुझे यहाँ पर आखिर कैसे ढूंढा?
मैं पहले हट में गई थी लेकिन वहाँ आप नहीं मिले, फिर वहाँ मुझे आपकी कार दिखी। अच्छा तो तुम हट में गई थी? हाँ। लेकिन क्यों? मुझे आपसे कुछ जरूरी बात करनी थी। हाँ मुझे पता है, तुम मुझसे कल भी कुछ बोलना चाहती थी लेकिन हमारी बात नहीं हो पाई। ठीक है बताओ क्या बात करनी है। हाँ वो कल की बात हम बाद में कर लेंगे, उससे पहले कुछ इम्पोर्टेंट चीज सॉल्व करनी है, तो वो मैं आपको पहले बताऊंगी फिर दूसरी बात बताऊंगी, ठीक है? ओके ठीक है, वैसे मेरी समझ में तो नहीं आया लेकिन तुम बताओ। मिस्टर जान, दरअसल असेंबली के टर्किश रिप्रेजेंटेटिव्स, वो सब लोग आपसे कल क्वेश्चन करना चाहते हैं। और मिस्टर जान, आई एम सॉरी पर आपको ये सारी बातें बताना जरूरी था। आज जब आपने कहा कि आप फिर कभी नहीं आएंगे, वो सारी बातें झूठ थी ना, आप आएंगे ना? बताइए ना। मैं नहीं जानता। सब कह रहे हैं कि आप शहर छोड़ दोगे। लेकिन क्यों? रुक जाइए, लेकिन क्यों? क्यों मतलब क्यों रुको? आखिर मेरे लिए यहां पर ऐसा क्या रखा है? सही सही कहा, यहां कुछ नहीं रखा है। तो अब हम चले? देखो इतनी रात को यहाँ पर से जाना बिल्कुल ठीक नहीं होगा, तो मुझे लगता है कि हमें यहीं रुकना चाहिए। 3-4 घंटे लग सकते हैं कोई कैब ढूंढने में, इसीलिए सुबह निकलते हैं, तब इस जगह से जाना ज्यादा सेफ होगा। ठीक है ठीक है। आपसे कुछ पूछ सकती हूँ? ये स्टोन्स जो है वो आपके लिए स्पेशल, कुछ स्पेशल है क्या? मतलब क्या ये आपको किसी ने गिफ्ट दिए हैं? हाँ पर किसी स्पेशल इंसान ने नहीं दिया था मुझे। एक्चुअली जब मैं श्रीलंका में शूट कर रहा था तब बहुत सीरियसली इंजर्ड हो गया था और तब 2 महीने के लिए बेड रेस्ट की थी। उस वक्त एक बूढ़ी औरत ने मेरा ख्याल रखा था और उसी ने मुझे ये स्टोन्स दिए और कहा कि ये स्टोन्स मुझे हर हालत में प्रोटेक्ट करेंगे, ख्याल रखेंगे। मून स्टोन्स? लेकिन दो क्यों? वो इसलिए क्योंकि इन दोनों स्टोन्स की अपनी एक अलग ही खासियत है। ये जो डार्क साइड है वो मून का छिपा हुआ हिस्सा है और ये जो व्हाइट साइड है वो हिस्सा है जहाँ रोशनी होती है। हर एक इंसान के अंदर भी ये 2 हिस्से होते हैं, एक हिस्सा जिसे वो छिपाता है जहाँ वो इमोशनल होता है और दूसरा हिस्सा जहाँ पर वो स्ट्रांग होता है और अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करता है। ये दोनों हिस्से तभी दिखते हैं जब आपको प्यार होता है, इसलिए ये 2 मून स्टोन प्यार में पड़े कपल की तरह मेरा प्रोटेक्शन करते हैं, इसलिए इन स्टोन्स को मैं अपने पास रखता हूँ। वेरी नाइस, सच में वेरी नाइस। स्टार्स कितने अच्छे लग रहे हैं, काश मैं अपने हाथ लंबे करके उन्हें छू पाती। आप यहाँ पर रोज आते हैं क्या? हाँ जब भी अकेला टाइम स्पेंड करना होता है। मिस्टर जान आपको अकेला रहना था, रिलैक्स करना था और देखो मैं यहाँ आ गई और कब से बोले जा रही हूँ, बस आपको गुस्सा तो नहीं आया ना? जब तुम्हारे साथ होता हूँ गुस्सा नहीं आता है।
तो सोने चले। सोने चले? Seriously? अरे मेरा, अरे एक्चुअली मेरा मतलब वो नहीं था। मेरा कहने का मतलब है कि सोने का वक्त हो गया है तो हमें सो जाना चाहिए अंदर चल के, बस यही कह रहा था। वैसे तुम्हें अंदर जाना चाहिए, मुझे तो नींद भी नहीं आएगी। मैं यहीं बैठकर तारों को देखूंगा। All right. Good night, Mr. John. हाँ, good night. Have a nice sleep. You too. Mr. John, एक आखिरी सवाल बस। I promise ये आखिरी सवाल है। वो मैं अंदर सो जाऊंगी तो डर जाऊंगी, इसीलिए क्या मैं भी बाहर सो जाऊं? क्योंकि कभी इसी जगह पर आई नहीं हूं तो मुझे अकेले रहने में डर लग रहा है। अगर आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। तुम श्योर हो तुम्हें यहां सोना है? मेरा मतलब है यहां पर कुछ भी हो सकता है। स्कॉर्पियन, स्नेक, इंसेक्ट्स तुम्हें कुछ भी काट सकते हैं। यहां पर सेफ नहीं है, तुम्हें यहां पर क्यों सोना? क्या बात कर रहे हैं, आते वक्त मैंने दो सांपों को मारा है। हाँ, इस बात को लेकर मैं सरप्राइज नहीं हूँ। तुम तो कुछ भी कर सकती हो, आई एम श्योर। चलो मैं अंदर से स्लीपिंग बैग लाता हूँ तुम्हारे लिए, यहीं पर बिछा दूंगा, तुम सो जाना। वैसे मिस्टर जान, मैंने सिर्फ एक ही को मारा था, दो को नहीं। कंफर्टेबल तो नहीं है पर तू मैनेज कर लेना। ठीक है। चलो अपना सर उठाओ। हाँ, अब बेटर है ना? थैंक यू मिस्टर जॉन। मिस्टर जॉन, बस एक बात कहूंगी और उसके बाद मैं चुप हो जाऊंगी। वो आप ऐसे ग्राउंड पे सोए हैं और मैं ऐसे प्रिंसेस की तरह सोई हूँ, मुझे अच्छा नहीं लग रहा। क्या हम ये शेयर कर सकते हैं? ठीक है। Good morning. ठीक हो? तुम पूरी रात बाहर सर्दी से छींक रही थी। ये इतना आसान नहीं है। वैसे अब तबीयत कैसी है? ठीक हूँ। आप पूरी रात सोए नहीं? नहीं, मुझे नींद नहीं आ रही थी। वैसे मैं बिल्कुल ठीक हूँ। ये निकाल दूँ? हाँ, थैंक यू।
ओके, थैंक यू सो मच। तुम ये सब पैक करो, मैं टेंट खोलता हूँ। ठीक है। सनी कहाँ थी तुम? मैं तुम्हें ही ढूंढ रही थी। मिस्टर जान आ गए, कहाँ है वो? हाँ, सब आ गए हैं, तुम्हारा इंतजार हो रहा है। सब आ गए? हाँ हाँ, जल्दी 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 चलो। गुलिस, हैकर्स ने हमारे डिजाइन को हैक कर लिया था और उसको डाउनलोड करके एक फेक वेबसाइट बनाई थी। खैर, वो पकड़ा गया, उसने कन्फेस कर लिया है कि उसने ये सब किया और अब हमारे लॉयर कानूनी कार्रवाई कर रहे हैं। इस सारी परेशानियों के वक्त जब कुछ भी सही नहीं चल रहा था तो सनम ने मेरा बहुत ज्यादा साथ दिया। मेरी टीम और बाकी के जितने भी लोगों ने मेरा सपोर्ट किया, मैं उन्हें तहे दिल से थैंक यू बोलना चाहता हूँ। और एक इंसान जो हर वक्त मेरे साथ खड़ा था, वो था मेरा भाई, जिसने उस हैकर को पकड़ा और उससे चीजें उगलवाई। और फिर से एक बार मैं सनम का शुक्रिया अदा करना चाहूंगा क्योंकि उसने हैकर का पता लगाया। सनम प्लीज कम। थैंक यू सो मच सनम, तुमने उस हैकर का पता ढूंढ निकाला और जब जब हमारी कंपनी को तुम्हारी जरूरत पड़ी है तुम हमेशा खड़ी रही हो। तो सनम, थैंक यू सो मच। और आप सभी को यहाँ आने के लिए थैंक यू सो मच। सनम, तुम जरा मेरे साथ आओगी? गाइस, मुझे लगता है कि ये जो हैकर्स होते हैं ये बहुत ही खतरनाक होते हैं और टेक्निकल फील्ड में इनकी कोई जरूरत नहीं है। ये लोग बड़े ही खतरनाक हैं। जे, तुम बैठ जाओ, ठीक हो ना? लेकिन मैं तो सिर्फ कुछ कहना चाहता था, अपने ख्याल वगैरह। आओ आओ, प्लीज बैठो। मुझे नहीं बैठना चाहिए मिस्टर जान। मैं तुम्हें पर्सनली थैंक यू नहीं बोल पाया। मिस्टर जान, अयहान और जेजे के बिना मैं कुछ नहीं कर पाती, उनकी वजह से हुआ है ये। लेकिन सब उन्हें वहाँ जाने के लिए तुमने कहा था ना? तो वैसे मैं इस वक्त उस हैकर की बात नहीं करना चाहता तुमसे। फिर किस बारे में बात कर रहे हैं? तुम्हारे बारे में। सनम, फोटोग्राफी मेरे लिए बहुत स्पेशल है, मैं उसकी बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ और मैं हमेशा से फोटोग्राफर बनना चाहता था और इसके आगे मैंने अपनी लाइफ में कुछ भी नहीं सोचा और कुछ भी नहीं देखा, सिर्फ मैं और मेरा कैमरा, दैट्स इट। लेकिन उसके बाद जब मेरी फोटोग्राफी का लाइसेंस सस्पेंड हुआ तो मुझे कैसा लगा होगा? बुरा लगा होगा। ऐसा लग रहा था कि किसी ने मुझसे मेरा सपना छीन लिया हो और अब मेरे पास कुछ भी नहीं है, मेरी इज्जत भी नहीं। लेकिन तुमने मेरा साथ दिया, तुम मेरे पास थी, तुमने हर वक्त मेरा साथ दिया, मुझसे दूर नहीं गई। मिस्टर जान, मैं सनम, उस दिन तुमने कहा था कि तुम मुझसे कुछ कहना चाहती हो लेकिन तुम कह नहीं पाई। सनम, तुम मुझसे अब कह सकती हो? कुछ नहीं। कुछ भी नहीं? मिस्टर जान, आपको गलत फहमी हुई है, मैं बस बिजनेस को बचाने की बात करने के लिए आई थी और बाकी कुछ। तुमने मुझे बच्चा समझा है क्या? मिस्टर जान, सच में मुझे कुछ नहीं कहना है, मेरी बात का यकीन मानिए। एक बात बताओ, तुम मुझे हमेशा दूर क्यों भागते रहती हो? तुम्हें कुछ तो प्रॉब्लम है। मैं भला आपसे दूर क्यों भागूंगी? कोई खास बात नहीं है, बस यूं ही, कुछ नहीं। तुम मुझसे भागना भी चाहो तो भाग नहीं सकती हो, समझी? वैसे उस दिन तुम घर पर आई थी, तुम्हें मुझे कुछ बताना था, तो अब तुम बता दो, तुम क्या बताना चाहती थी? मेरे फियांसे का कॉल है, मैंने अपना फोन साइलेंट पे रखा है इसीलिए बच नहीं रहा। तुमने मुझसे कहा था कि तुम कुछ कन्फेस करना चाहती हो लेकिन तुमने तो कुछ कहा ही नहीं। आखिर बात क्या है सनम, तुम क्या कहना चाहते थे मुझसे?
वो एक्सक्यूज मी मिस्टर जान। हाँ ठीक है प्लीज गो अहेड टेक योर कॉल। हेलो हाँ उस्मान बोलो। क्या मेरी फिक्र हो रही है तुम्हें? हाँ मैं आ रही हूँ। हाँ आती हूँ। लाओ फोन दिखाना। अरे ये तो जे जे का कॉल है तुम्हारे पास। अरे जरूरत नहीं उससे बात करने की, लाओ मैं फोन काट देता हूँ। रुको मैं ये डिस्कनेक्ट कर देता हूँ। तो उस्मान के साथ कैसा है? बहुत अच्छा। और आपका पोलैंड के साथ कैसा है? ओ अच्छा, तो तुम पोलैंड को जानती हो? बहुत अच्छा बहुत अच्छा। एक्चुअली हम लोग अब रिलेशनशिप में नहीं है, कल रात को ही हमारा ब्रेकअप हो गया। वैसे अब मैं समझा और इसलिए तुम्हें पोलैंड पसंद नहीं है। ओके ओके। आखिर आप मुझसे चाहते क्या है? आप मेरा दिल हमेशा क्यों तोड़ते हैं? मैं चाहता हूँ सनम कि तुम मुझसे बात करो। मैं चाहता हूँ कि तुम मुझसे कन्फेस करो। मेरे पास आपको बताने के लिए कुछ नहीं है। मुझे जो कहना था मैंने कह दिया। आखिर आप इस बात को इतना क्यों खींच रहे हैं? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। सनम मिस्टर जान प्लीज। गाइस आज की मीटिंग यहीं खत्म करते हैं। हमने काफी काम कर लिया है तो आई गेस कल करना ही बेटर रहेगा। ओके कल मिलते हैं। गुड नाइट गाइस। देखो मैं आ गई। देखो मैं तुम्हारे लिए क्या बना कर लाई हूँ। ये सब तुम्हारे लिए है। सब खाओ, ये बहुत ही हेल्दी है। इसे खाओगे तो तुम्हारी बॉडी बहुत अच्छी हो जाएगी, तुम ताकतवर हो जाओगे। खाओ खाओ अच्छे से खाओ। देखा देखा जली जली इसकी जली, तुम्हें तो मैं नहीं दूंगी। चलो चलो। तुम हमेशा तैयार रहते हो। देखो देखो जरा उसे तो देखो, मैंने उसे नहीं दिया, मेरे पीछे आ रही है। सनम तुम्हें ट्राई करना चाहिए, मजा आ जाएगा। लगता है उसके फ्रेंड को पसंद आए है ना। ये सब क्या चल रहा है, क्या चल रहा है? हाँ डेरन कैसे रही मीटिंग? अरे हाँ मैं तो भूल ही गया था उसके बारे में, मैं आता हूँ। हाँ जल्दी ही आ रहा हूँ। सनम मुझे जाना होगा, मीटिंग याद है ना, वो चिकन कैंपेन वाला, उसका प्रेजेंटेशन। वैसे तुम शॉप कब बंद करने वाली हो सनम? गुड, तो मैं शाम को घर पर आता हूँ। ओके बाय। घर पर मिस्टर जान? चलो अब मैं भी चलती हूँ। चलो मैं चलती हूँ, बाय। कहाँ? ये मेरे दोनों कानों को क्या हो गया है? ये मेरे कानों को क्या हुआ है? सनम क्या बात है, समंदर किनारे चले? हाँ मूजो को भी बुला लेते हैं, उसकी बेवकूफी भरी बातों में बड़ा मजा आएगा सच में। मैं समंदर के किनारे ही थी। एक लाइफ कोच होने के नाते मैं तुम्हारी मदद करना चाहती हूँ। देखो सनम मैं मानती हूँ कि ये सब मुझे समझ नहीं आता। थोड़ी देर पहले मैं वही थी। मैं जैसे ही अपनी पुरानी जिंदगी में आ जाऊंगी ठीक हो जाऊंगी। मैंने मिस्टर एमरो को कह दिया है कि मिस्टर जान को मुझसे दूर रखे। अच्छा तो वो तुम्हारे लिए पागल है? अयहान मुझे लगता है कि वो जानता है कि मैं उससे प्यार करती हूँ, इसीलिए वो मेरे साथ ऐसा। तुम्हें ऐसा लगता है सनम? अगर ऐसा नहीं होता तो वो मुझसे इस तरह के सवाल क्यों पूछता? कहीं वो उन धोखेबाज लड़कों में से तो नहीं जो लड़की को अपने प्यार में फंसा ले और फिर भाग जाए? हो सकता है कि इसमें उसकी कोई साजिश हो और प्यार करने का नाटक कर रहा हो सकता है। लेकिन अब मैं थोड़ी कंफर्टेबल हूँ, थोड़ी कंफर्टेबल हो रही हूँ। हाँ सब भूल जाओ, जाने दो। अरे बाप रे मिस्टर जान। अरे ये तो यहाँ आ गया। अयहान अयहान तुम उसे ऊपर आने मत देना। लेकिन तुम कहाँ जा रही हो? मैं पता नहीं, मैं कुछ करती हूँ पर मैं उसे ऐसे नहीं रोक सकती। अरे कैसे हैं आप, अंदर आइए ना प्लीज। मैं बहुत अच्छा हूँ, आप बताइए। मैं ठीक हूँ और आप?
Good to see that. सनम है क्या? हाँ हाँ है ना, घर पर ही है, मैं अभी बुलाती हूँ। उससे कोई गलती हो गई है क्या? नहीं नहीं, मैं यहाँ पर किसी काम से नहीं आया हूँ। मैं यहाँ इंतजार करता हूँ, आप उसे बुला दीजिए। हाँ ठीक है। सनम, सनम, देखो देखो मिस्टर जान तुमसे मिलने आए हैं। कैसे हो मिस्टर जान? हाँ, बहुत अच्छे लग रहे हो, हमेशा की तरह स्टाइल में हो। हाँ, काफी स्मार्ट लग रहे हो। वैसे सनम घर पर नहीं है? जल्दी जाओ और सनम को बुलाओ, जाओ जाओ, दौड़ कर जाओ और जल्दी बुला लेते हैं। एक्चुअली आप यहाँ पर ऐसे खड़ी रहेंगे तो अच्छा नहीं लगेगा। अब मैं इंतजार करता हूँ, आप प्लीज जाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं इंतजार करूंगा। इट्स ओके। नहीं नहीं कोई बात नहीं, लेकिन अब आप कह रहे हैं तो संभाल कर जाइएगा। हेलो, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग टू यू टू सर। कौन है? सनम, मैं हूँ। दरवाजा खोलो, मिस्टर जान इंतजार कर रहे हैं। नीचे मत जाओ, मेरे लिए दरवाजे पर इंतजार करो, मैं भागती हूँ। क्या कह रही हो, मुझे सुनाई नहीं दे रहा। सनम खोलो। सनम, सनम, दरवाजा खोलो जल्दी से। क्या हो गया इसे? पता नहीं वो जवाब क्यों नहीं दे रही, और ये अंदर से लॉक भी है। देखिए दरवाजा क्यों नहीं खोल रही। सनम, ग्रेट, तुम तो ऑसम हो यार। जूते वहां है, चलो जूते पहन लो, आ जाओ। कमाल हो, चलो चलो पहन लो। अरे कार वहां पर है, उधर उधर। मैं और मेरी बहन बचपन में ऐसे ही भाग जाते थे से। और फिर खिड़की से एंटर करते थे। मेरा बचपन तो ऐसे ही था, आपका कैसे था? तुम गेस कर सकती हो, मैं बहुत हाइपर एक्टिव था। मैं तो अक्सर पेड़ों पर चढ़ जाता था। मैं समझ सकती हूँ। मिस्टर जान, आप यहां क्यों आए हैं? तुम्हें क्या लगता है? पता नहीं। पता नहीं है? पता नहीं तो फिर तुम क्यों आई हो सनम? तुम मेरे घर क्यों आई थी आधी रात को? फिर एक बार जंगलों में कई किलोमीटर तक तुम मुझे ढूंढ क्यों रही थी? और तुम हमेशा मेरे साथ चल क्यों देती हो जब भी मैं तुम्हारा हाथ पकड़ता हूं? पता नहीं। पता नहीं तो फिर मुझे बताने दो। इसकी वजह है क्योंकि तुमने कभी जानने की जरूरत महसूस नहीं की। तुम्हें ये करना है कि सिर्फ और सिर्फ सुनना है। पता नहीं,
अपने दिल की आवाज सुनो, क्योंकि मैंने अपने दिल की आवाज सुनी। लेकिन तुम इस वक्त क्यों रो रही हो मेरी समझ में नहीं आ रहा। सनम, तुम आखिर इतने इनोसेंट क्यों हो ये बताओ, क्यों हो? सनम, क्या तुम मुझसे कुछ छुपा रही हो? पता नहीं। बस इतनी सी बात, अब तुम टेंशन मत लो सनम। चलो अब जाने दो, इतनी इमोशनल मत बनो। चलो हम लोग कहीं और चलते हैं, ठीक है? तुम बताओगी? तुम उसको बताओगी कि तुमने क्या किया है? उसके घर में एक चोर की तरह घुसकर उसके प्राइवेट डॉक्यूमेंट्स और फाइल्स ये सब लाने वाली बात तुम बताओगी उसको? क्या होगा बताकर? सनम, सनम रुको जरा, मेरी बात सुनो। कहाँ जा रही हो? हर बात को हमेशा गलत लिया है सनम। मिस्टर जान छोड़िए मुझे, प्लीज मुझे जाने दीजिए। प्लीज मुझे जाने दीजिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए। सनम, तुम आखिर क्या चाहती हो मेरी समझ में नहीं आ रहा, प्लीज समझाओ मुझे। मुझे कुछ नहीं चाहिए, समझे आप? आप मेरा पीछा करना हमेशा के लिए छोड़ दीजिए। आपको पता है मैं कौन हूँ? आप मुझे जानते हैं कितना है। सनम, ये कोई मजाक है क्या? या तुम सीरियस हो? प्लीज ये मत करो। सनम प्लीज ध्यान से सुनो, मैं आखिरी बार पूछ रहा हूं, मैं जाऊं या रुको? प्लीज मुझे क्लियरली बताओ मैं क्या करूं। मतलब वो खिड़की से कूदकर भाग गई, ये तो बहुत बुरा हुआ है। हाँ, ना वो भाग गई। अब कितनी बार बताना पड़ेगा तुम्हें? बार बार क्यों पूछ रहे हो? क्या मिस्टर जान यहाँ आए और वो खिड़की से कूदकर भाग गई? जरूर कुछ प्रॉब्लम रही होगी। प्रॉब्लम है क्या? हाँ। पर मुझे तो नहीं लगता। और अगर कोई प्रॉब्लम है भी तो दरवाजे से जाओ ना, खिड़की से क्या कूदना। हाँ, सही कहा। ओके बे, ऐसा वो तभी करती है जब कोई प्रॉब्लम हुई होती है, वो हमेशा ऐसा ही करना चाहती थी। पर मिस्टर जान जब आए तब क्यों भागी? अगर लैला होती ना तो उसे सब पता चल जाता। हमें ओहो, उसने कहीं ऑफिस में कोई गड़बड़ तो नहीं कर दी ना? पता नहीं अब इस बार क्या किया इस लड़की ने, कहीं कोई फाइनेंशियल गड़बड़ तो नहीं की होगी ना? अरे बस करो मेयूकी बे, शांत हो जाओ। जहाँ हमारी बेटी काम करती है वहाँ पर हेल्पर का काम करती है, वो कैसे कंपनी में गड़बड़ कर सकती है? हमारी बेटी ना पागल है। नहीं नहीं, वो ऐसा नहीं कर सकती। हाँ थोड़ी सी शैतान है पर वो ऐसा नहीं करेगी। लगता है सनम आई होगी, मैं जाकर जानने की कोशिश करती हूँ कि क्या हुआ है, ठीक है? हाँ लेकिन ज्यादा प्यार से बात मत करना, मेरी तरह सख्त होकर पूछना। सनम, सनम कहाँ गई थी तुम? मॉम क्या हम कल बात कर सकते हैं? नहीं अभी बताओ मुझे। सनम, सनम क्या हुआ बेटा, तुम रो क्यों रही हो? कहीं कोई सीरियस बात नहीं है ना? कुछ भी तो सीरियस नहीं है। क्या हुआ, तुम मिस्टर जान से मिली थी, वो तुमसे गुस्सा हुए, उन्होंने तुमसे कुछ कहा क्या? हा? नहीं मॉम, उन्होंने कुछ भी नहीं कहा। मुझे बताओ ना, बहुत टेंशन हो रही है।
बताओ ना। मॉम मैं हर बात आपको नहीं बता सकती, मैं दुखी हूँ, मैं परेशान हूँ बस। आप अगर खामोश रहेंगी तो अच्छा होगा, आपको हर बात जानने की जरूरत नहीं है। अच्छा यहाँ आ जाओ। अच्छा ठीक है, अगर तुम नहीं बताना चाहती तो ठीक है, ठीक है, पर ऐसे रो मत प्लीज। मॉम मैं वहां काम करने नहीं जाना चाहती। ठीक है ठीक है, नहीं जाना चाहती तो मत जाओ। पजामा पहनकर? मैं घूम नहीं रही हूँ, मैं नाइट शिफ्ट कर रही हूँ। कुछ हुआ क्या बताओ मुझे, जवाब दो ना, क्या हुआ? बाद में बात करूंगी। आयन तुम आ गई, आ जाओ जल्दी। मैं रुकी बे आंटी, पर बात क्या है, आपका कॉल आया तो मैं परेशान हो गई। बेटा सनम ना बहुत उदास है, मुझे कुछ भी नहीं बता रही, तुम जाओ और उससे बात करके पता करो कि क्या हुआ है। देखिए महफकी बे आंटी, मैं आपको एक बात अच्छे से बता देना चाहती हूँ, मैं उससे बात तो जरूर करूंगी, पर आप मुझे इस तरह से देखकर फोर्स नहीं कर सकते कि मैं आपको सब कुछ बता दूं। ठीक है जाओ ना, जाओ और उससे बात करो और उसे रिलैक्स करो। पता नहीं उसे क्या हुआ है, बस रोई ही जा रही है, पता नहीं उसे क्या हुआ है, किस वजह से वो ऐसे बिहेव कर रही है। ठीक है फिक्र मत कीजिए, प्लीज उससे बात करके पता करो। महफकी भी सुनो। हाँ मैं जानती हूँ बहुत देर हो गई है, हम चाय पी सकते हैं? आ जाओ मेलहत, बस तुम्हारी ही कमी थी, आ जाओ अंदर आ जाओ। बस अभी भी तुम्हें ही याद कर रही थी मैं, और तुम आ गई, बैठकर चाय पीते हैं। अकेला रहने दो मॉम। मैं हूँ, दरवाजा खोलो, क्या मैं अंदर आ सकती हूँ? आ जा। क्या हुआ सनम, प्लीज मुझे बताओ कि आखिर बात क्या है? आज बहुत सारी बुरी बातें हुई, मिस्टर जान को पता चल गया कि मैं उनसे प्यार करती हूँ, और आज वो मुझसे ये उगलवा भी ले। हाँ तो तुम्हें बताना चाहिए था, वो तुमको लेकर कितना पॉजेसिव है पता है, उसे तुम्हारी फिक्र होती है। आज मैंने उनके साथ बहुत बुरा किया, मैंने उनसे झूठ कहा, मैं सच भी बोल सकती थी, उन्होंने मुझसे कहा कि अब वो मुझे कभी नहीं दिखेंगे, और मैं उन्हें बिना देखे कैसे जी पाऊंगी, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। एक पल के लिए लगा कि वो मुझसे प्यार करते हैं, मैंने कहा खुद से कन्फेस कर लो, जानते भी एक बहुत इंपॉर्टेंट आदमी है, वर्ल्ड फेमस फोटोग्राफर है, हैंडसम है और होशियार भी है, लेकिन फिर मुझे याद आया कि मैं ये नहीं कर सकती, मैंने उनके साथ क्या किया है, उन्हें जलील करने की कोशिश की, उन्हें बदनाम करने की कोशिश की, वो डॉक्यूमेंट चुरा के, ये सब मैं उन्हें कैसे बता पाती, और क्या वो मेरी बात का यकीन करते? मैंने उस इंसान से झूठ बोला है जिससे झूठ से सख्त नफरत है, ये प्यार व्यार सिर्फ परिकथाओं में होता है, असल जिंदगी में तो रोना पड़ता है। अब ऐसी बात मत करो, ऐसा कुछ नहीं होता, तुम कुछ ज्यादा ही सोचती हो, लो अपना आंसू पोछो। अयान मैं उन्हें भूलना चाहती हूँ, एक नई जिंदगी की शुरुआत करना चाहती हूँ, और उसमें मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। हाँ मैं तुम्हारी मदद करूंगी सनम, मैं तुम्हारी मदद जरूर करूंगी। एक बात बोलूं, सच्चा प्यार वो होता है जो दूर रहकर भी रिश्ते को मजबूत रखता है। देखो तुम परेशान मत हो सनम, तुम भी उसे ऐसे ही प्यार करना सीखो, फिर तुम्हारी जितनी सारी परेशानियां हैं, तकलीफें हैं,
वो सब दूर हो जाएंगे और फिर से तुम ऊंची उड़ान भरोगी। तो अब तुम्हें इन सब से उबर कर आना ही होगा। तुम सही कह रही हो यान, मैं इन सब से बाहर निकल जाऊंगी। और तुम इस इंसान को मिस्टर कैसे कह सकती हो जिससे प्यार करती हो? क्या बकवास सवाल किया है तुमने सनम। मिस्टर जान, लेकिन एक बात तो माननी पड़ेगी, वो जैसा भी है एक बहुत ही अच्छा इंसान है और साथ ही बहुत हैंडसम भी है। इतनी सारी क्वालिटीज एक साथ, क्या बात है। मैं कुछ ज्यादा ही भूल गई, चिपटो एहान, जाने दो उसे, भूल जाओ, तुम उड़ान भरने की सोचो। बिल्कुल एक पंछी की तरह, देखो अच्छे लग रहे हैं ना उड़ान भरते हुए। सनम, सनम उठो जरा, मुझे तुम्हारी मम्मी को हर 10 मिनट की रिपोर्ट देनी पड़ती है। उठो ना सनम प्लीज। अयान, मुझे मेरे डिप्रेशन के साथ रहने दो। अरे यार, अब ऐसे क्यों अपने आप को तकलीफ दे रहे हो? इतनी गर्मी में कोई ब्लैंकेट ओढ़ के सोता है क्या? कुछ अलग करो, कुछ स्पेशल करो, ये सब तो लोग डिप्रेशन में करते रहते हैं। अयान, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे तो सिर्फ मिस्टर जान को देखना है। पता नहीं मैं उनके बगैर कैसे जी पाऊंगी, मैं तो मर जाऊंगी अयान। पर तुम तो उसे देख सकती हो ना, बस सोशल मीडिया में जाओ, उसका फोटो चेक करो, उसे फॉलो करो। अयान, तुम कितनी प्यारी हो। ये कैसी आवाज है? अयान, हाँ, कहीं मिसे जान तो नहीं देख? अब मैं देखती हूँ, लेकिन मैं क्यों जाऊँ, तुम जाओ और खुद देखो। वो तुमसे मिलना चाहता है, तुम एक दूसरे को देखते रहो और बातें करो। ठीक है, मैं देखती हूँ। मिस्टर जॉन, मिस्टर जान सनम, तुमने ऐसा क्या कर दिया कि एक रात भी मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह पाया। मैं भी। अच्छा तुम भी, तुम मेरे साथ मजाक कर रही हो ना? मैं भी रात भर सो नहीं पाई, पछता रही थी कि मैंने आपको क्यों नहीं रोका। तो कहीं चले साथ में? कहां? कहीं भी। दोबारा कभी छोड़कर मत जाना बस।
गुड मॉर्निंग सनेम, तुम्हारा बहुत बहुत स्वागत है। मिसेस मेलाहत ने कहा कि तुमने अपना जॉब छोड़ दिया और फिर से पड़ोस में रहने आ गई हो। मैं बता नहीं सकता सनेम कि मैं कितना खुश हूँ। मन कर रहा है कि मैं आग लगाऊं और उसी में कूद जाऊं। तुम्हें देखकर मुझे यही समझ में नहीं आ रहा कि मैं सेलिब्रेट कैसे करूं। ऊपर से नीचे तक मैं खुशी में डूबा हुआ हूं। ये लो पत्थर लो। जबरदस्त, तो तुम पत्थर क्यों फेंक रहे हो? जबरदस्त, मुझे फूल नहीं मिले इसलिए पत्थर से स्वागत कर रहा हूं तुम्हारा। वेलकम होम। बेवकूफ, जबरदस्त जबरदस्त। अरे कहाँ चली गई सनेम? बाहर आओ सनेम। अरे बेवकूफ आदमी, तुम मुझे क्यों पत्थर मार रहे हो? मुझे लग गया, देखो मैं जख्मी हो गया, मुझे खून भी निकलेगा अभी थोड़ी देर में। तुम्हारा दिमाग ठिकाने है कि नहीं? अब इसका जिम्मेदार कौन होगा? तुम जानते हो तुमने कितनी बड़ी गलती की है? इस दुनिया को मेरी कितनी जरूरत है? क्या बकवास कर रहे हो? ये मेरा इलाका, मैं पत्थर फेंकू या फूल फेंकू तुमसे क्या? मेरी गलती नहीं, तुम बीच में आए। मेरी बात ध्यान से सुनो, यहाँ से निकल लो वरना पत्थर फेंके दूसरी आग भी लाल कर दूंगा। मेरी बात सुनो भाई, मैं सनेम के ऑफिस का दोस्त हूँ और उसे लेने के लिए आया हूँ, और मुझे लगता है कि वो यहीं कहीं आसपास रहती है। नहीं, ये नहीं हो सकता। सनेम अब काम नहीं कर रही है, मुझे पता चला है कि उसने अपनी जॉब छोड़ दी है। अब वो पूरा वक्त अपनी फैमिली के साथ रहेगी और अपने मोहल्ले वालों के साथ वक्त बिताएगी। और ये भला कैसी कंपनी है? कभी बॉस आ जाता है तो कभी एम्प्लॉय आ जाता है। क्या लगा क्या रखा है तुम लोगों ने? तुम लोग क्यों पीछे पड़े हो मेरी सनेम के? तुम्हारा इस सबसे क्या लेना देना है? सनम, जेजे यहाँ आया है। जेजे? लेकिन वो क्यों? वो क्यों आया है यहाँ? क्या मैं यहाँ से जा सकता हूँ? तुम मुझे हाथ लगा रहे हो, तुम जानते हो मैं कौन हूँ। अगर मुझे गुस्सा आ गया तो मैं तुम्हारी हालत खराब कर दूंगा। देखो, ऐसे छूने से मुझे कुछ नहीं होने वाला, वो मेरी पड़ोसी है, समझे? निकलो यहाँ से और उसे परेशान करना बंद करो, समझे? देखो यार, मुझे जाने दो, मेरे रास्ते से हटो प्लीज, मुझे यहाँ से जाने दो। ये लो, फिर से टच किया तुम्हें। तुम फिर से मुझे हाथ लगा रहे हो। उफ यार, ओ जीजे, तुम यहाँ क्या कर रहे हो और तुम दोनों में क्या चल रहा है? अरे वो आया, तुम भी यही हो, बहुत बढ़िया। कितना बढ़िया इत्तेफाक है, तुम भी मुझे यही मिल गई, बहुत बढ़िया। गुड 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 गुड। तुम्हें यकीन नहीं होगा लेकिन मैं तुम्हें यहाँ से ले जाने के लिए आया हूँ। मुझे तो यकीन नहीं हो रहा। कौन है ये? क्या हो रहा है ये सब कुछ? सनम, उसे मत खा। क्या कह रहे हैं आप मिस्टर जान? नहीं, तुम्हें भूख लगी है तो मैं तुम्हारे लिए कुछ बना सकता हूँ। आई कैन कुक। हाँ, लगी तो है। हम कुछ सैंडविचेस ऑर्डर कर ले, मैं कॉल करूँ क्या? हाँ, मुझे भी काफी सफोकेटेड फील हो रहा है, यू नो, आई वांट टू गो आउट कहीं बाहर जहाँ अच्छी हवा हो। तो चलते हैं किसी ऐसी ही जगह जहाँ अच्छा खाना हो। हाँ, शायद आपको यहाँ बैठे बैठे बोर हो रहा है। चलिए, मेरा काम हो गया है, मैं निकलती हूँ। क्या ये बहुत ज्यादा हो जाएगा कि हम दोनों किसी खूबसूरत सी जगह में जाकर खाना खाएं? क्या यार सनम, अगर तुम्हें घर जाना है तो तुम जा सकती हो। हाँ, मुझे जाना है। आप कहाँ जा रहे हैं? तुम्हें दरवाजे तक तो छोड़ने आ सकता हूँ ना, अगर तुम परमिशन दो तो सी ऑफ तो कर सकता हूँ। Thanks for everything. आपके साथ काम करके मजा आया। ऐसा मत करो सनम।
अगर तुम चले गए तो हम दोबारा कभी नहीं मिल पाएंगे। पता है, पर मैं यहाँ काम नहीं कर सकती। मुझे काम करना पसंद है, पर ये जगह शायद मेरे लिए ठीक नहीं। मैं तुम्हें कभी समझ नहीं पाया। तुम सच में बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो। गुड बाय मिस्टर जॉन। गुड बाय। मेरी ये समझ में नहीं आ रहा कि तुम आखिर रो क्यों रही हो। मिस्टर जान, आप सनम छोड़िए मुझे। मिस्टर जान, सनम छोड़िए मुझे। फेरी टेल्स में होता है, मैं जिससे प्यार करती थी वो सामने आया, जिसे याद करती थी वो बस दो कदम दूर था मुझसे। जैसे कि फेरी टेल्स के एंड में होता है खुशियों वाला, जो मैंने चाहा था लेकिन वैसा नहीं हुआ। और मैं इस कहानी की वो गंदी औरत हूँ जिसने उस इंसान से झूठ बोला है जो झूठ से सबसे ज्यादा नफरत करता है। कितनी ज्यादा ब्यूटीफुल हो और बहुत नाजुक भी। लेकिन मुझे जाने क्यों कहा? क्योंकि मैं तुम्हें नहीं चाहती थी। क्यों?
मैं तुमसे प्यार नहीं करती, समझ गए? मैं नहीं मानता। तुम्हारे लुक्स, तुम्हारी स्माइल, मैं नहीं मानता। क्या कोई ऐसी बात भी है जो तुमने मुझे नहीं बताई? बताओ मुझे। क्योंकि तुम मेरे बारे में जानते ही नहीं हो। तुम ऐसी बात क्यों कर रही हो? ऐसी क्या बात है जो मैं नहीं जानता? नहीं बताऊंगी। मैं चाहती हूं तुम जाओ। अरे यार थोड़ी छपकी लग गई थी। यार बैठे बैठे सो रही हो? सब ठीक तो है ना भाई? क्या बात है, तुम ऑफिस भी नहीं आ रहे हो आजकल? तुम्हें पता है ऑफिस में सब तहस नहस हो गया है। देखो मुझे, मैं भी इस वक्त घर आ रहा हूँ, मेरी जिंदगी में आराम ही नहीं बचा है, बस काम ही काम। क्या बात है, लगता है गेस्ट भी आए थे। वैसे जानना चाहोगे कौन आया था? कौन? आइलीन। क्या कह रहे हो, आइलीन ही आई थी? उसने क्या बोला तुमसे? वो बहुत परेशान थी और मुझसे ये कह रही थी कि तुमने उसे छोड़ दिया है, लेकिन वो अभी तुमसे ही प्यार करती है। भाई तुम मजाक कर रहे हो ना, ये सब आइलीन ने कहा तुमसे? पता नहीं वो तुमसे ये सब क्यों कह रही है। देखो इसकी वजह प्यार है, क्योंकि एक प्यार में हारा हुआ इंसान ही ऐसे बात करता है। वो प्यार में मायूस है, वो दिन रात तुम्हारे बारे में सोचती है, यहाँ तुम्हारा इंतजार कर रही थी, तुम्हारे फोन का इंतजार करती है, परेशान रहती है। वो तुमसे सच में प्यार करती है, उसे सिर्फ तुम ही तुम दिखाई देते हो। उससे बात करो जिसको तुमने और पापा ने। अरे भाई तुम दूसरों के बारे में इतना क्यों सोचते हो? क्यों, प्रॉब्लम क्या है? क्या तुम उससे प्यार करते हो या नहीं? छोड़ो, हम बाद में बात करेंगे। देखो इमरे, सुनो, तुम उसके पास जाओ, उसे अपने दिल का हाल बताओ और फिर वो समझ जाएगी। इतना मुश्किल नहीं है ये। और चाहे कुछ भी हो जाए, मैं तुम्हारे साथ में हूं भाई। ठीक है, मैं जाकर उससे बात करूंगा। बहुत सही है, ध्यान रखो अपना। नहीं नहीं, सुबह के 5 बजे भी मेरे लिए सही है। हाँ मैं ज्यादा नहीं सोता, मैं 11 बजे तक मिलता हूँ फिर। हाँ ठीक है ठीक है, थैंक यू सो मच। ओके ओके, थैंक यू, बाय। मिस्टर जान, आपकी चाय। थैंक यू सनम, स्पेशली आज के लिए। वो मिस टेरन ने मुझसे कुछ बातें पूछी थी, इसीलिए मैं आई हूँ। कल तक सब काम पूरा कर दूंगी। समझा, तो तुम फिर कल से नहीं आओगे ना? क्यों, सही कहा ना? यस सनम, क्या तुम मेरा एक काम करोगी? जय जय से कहना कि आज से वो मेरी चाय लेके आया करे। ठीक है, कह दूंगी। सनीम ने रिजाइन कर दिया? हाँ, आज उसका आखिरी दिन है।
वो एक्चुअली आंटी आपने मुझसे कहा था कि आज शाम उसे लेकर आना है, लेकिन मैं उसे नहीं ला पाऊंगा। आई एम सो सॉरी जान। मैं किसी को कुछ कहूँ तो वो इनकार नहीं करता है। इतना अजीब बिहेव मत करो, अपने अंदर चीजों को मत छिपाओ, थोड़ा एक्सप्रेसिव बनो, बहादुर बनो, बहादुर। हाँ आंटी, लेकिन इसका बिजनेस से क्या लेना देना है? हाँ, बिजनेस से कुछ लेना देना नहीं है, बस ऐसे ही कह दिया था मैंने। चलो शाम को मिलते हैं। थैंक यू सो मच आंटी। अंधेरा हो चुका है, उनका कोई पता नहीं है। मिस्टर जान, मिस्टर जान। अरे यार, अरे ये क्या हो गया? ओह, चोट लग गई। मिस्टर जान, मिस्टर जॉन, आपने तो मुझे डरा ही दिया था। सनम, तुम मुंह पर से टॉर्च हटाओगी? मुझे कुछ भी दिख नहीं रहा है, प्लीज हटा दो। I'm sorry. वो एक्चुअली यहाँ का इलेक्ट्रिक कनेक्शन ढूंढ रहा था, लेकिन कहीं मिला नहीं। मैंने माचिस देखी थी खिड़की के पास, और वहाँ एक गैस लैंप भी। लेकिन तुम्हें कैसे पता? ओ अच्छा, अब समझा, फोटोग्राफी करते वक्त तुमने देखा होगा, इसलिए तुम्हें याद है। ओके ओके, वैसे ये है कहाँ पर? वहाँ। अरे ये लैंप तो काफी ज्यादा ऊंचाई पर है। नहीं, आप नहीं पहुंच सकते वहां। अच्छा सुनो, एक आइडिया है। अगर मैं तुम्हें ऊपर उठाऊं तो क्या तुम वहां से लैंप को उतार लोगी? नहीं मिस्टर जान, मैं गिर जाऊंगी वहां से। अरे कैसी बात कर रही हो, उस दिन वहां तुम सेकंड फ्लोर से नीचे आ गई और तुम्हें यहां से डर लग रहा है? अरे कुछ भी नहीं होगा, चलो लैंप ही तो उतारना है। आ जाओ आ जाओ, बहुत थोड़ी सी ऊंचाई है, बस इसे टूटने मत देना। तो तुम तैयार हो? शुरू करें? मैं करूंगी। आ जाओ आ जाओ। मिस्टर जान, बस थोड़ा अपने लेफ्ट में, थोड़ा और। हाँ, निकाल लिया। ठीक है, निकाल लिया। मुझे लैंप दे दो। आपके आपके हाथों से तो खून बह रहा है, क्या हुआ? अरे वो थोड़ा सा कट गया था। इट्स ओके, कोई बात नहीं, फर्क नहीं पड़ता। उसमें उसमें जंग तो नहीं थी ना? पता नहीं, खैर छोड़ो ना। और माचिस कहाँ? वहाँ पर है, जला लीजिए। हाँ, मेरे पास एक आयल है बैग में, वो बहुत ही यूजफुल है, कम से कम इन्फेक्शन नहीं होने देगा, उससे अच्छा रहेगा। हाँ ये सही रहेगा शायद। ये आखिरी रात है, ये आखिरी रात है, कल से मैं आपको नहीं मिलूंगी। तुम्हारा ये खूबसूरत चेहरा और आवाज, मुझे लगता है कि मैं अपना हाथ बढ़ा दूं। अगर तुमने हाथ बढ़ाया तो मैं कभी नहीं छोड़ूंगा। मैं उन हालातों को कभी नहीं भूलूंगी जिन्होंने हमें एक दूसरे से दूर किया है। तो मुझे ये मत कहना कि तुम मुझे चाहती हो, क्योंकि अगर चाहती तो मुझे छोड़कर कभी नहीं जाती, कभी नहीं। अगर आप मुझे जानते तो मुझसे कभी प्यार ना करते। हमारे पास इसे कवर करने के लिए कुछ नहीं है।
एक्चुअली मेरे बैक पॉकेट में ये तुम्हारा बनाना था, ये मैं तुम्हें वापस देने वाला था। एक्चुअली तुम सी साइड पर भूल गई थी तो मैंने बैक पॉकेट में रखा था। हम चाहें तो इसे यूज कर सकते हैं। ये मुझे दीजिए। माफ करिए मुझे देर हो गई जरा। हाँ कोई बात नहीं, थैंक यू। एक मिनट मैं अपनी चीजें ले लूं। जान के आपकी स्पीड 40 है। हाँ, I guess ये स्पीड सही है। और ये रास्ता भी नया है। ठीक है। ठीक है। सनम, ये तुम्हारे लिए है। तुम घर जाकर इसे देखना। प्लीज मना मत करना। थैंक यू वेरी मच मिस्टर जान, लेकिन इसकी कोई जरूरत नहीं है। सनम, अगर तुम मेरी वजह से कंपनी छोड़ रही हो तो प्लीज ऐसा मत करो, क्योंकि मैं यहां से जाने वाला हूं हमेशा हमेशा के लिए। आप जाने वाले हैं हमेशा के लिए? वो कब? जितनी जल्दी हो सके। यहां आप मेरे लिए बचा ही क्या है सनम। तुम एक फनी, क्रिएटिव और एक बहुत ही काबिल एम्प्लॉय हो। तुम कंपनी के लिए एसेट हो। तुम फनी हो, ऑनेस्ट हो और तुम्हारा फ्यूचर सच में बहुत ब्राइट है। आई मीन इट। मेरे जाने के बाद तुम डिसाइड कर सकती हो कि रहना है या जाना है। ऑफिस के लोग तुम्हें इन्फॉर्म कर देंगे सनम। मिस्टर जान। सनम, और हाँ, तुम किसी और कंपनी के लिए तो काम कर ही सकती हो। क्या ये बात सच है कि आप जाने वाले हैं? गुड नाइट सनम। उम्मीद करता हूं कि तुम्हें जिंदगी में वो सब कुछ मिले और दुआ करूंगा कि जिंदगी में तुम्हें वो सब मिले जिसके तुम हकदार हो। Good night. Good night. Karışacak köklerimi. Gel.
not senin ne çok güzel belki ama düş demek bambaşka. Tenin almış beyazlığını aydan, saçlarının rengi geceden, bundan geceye sevdam. Sen örterken benimle kalbini, al aklım gibi hissimi, al çünkü özlüyorum. Sen örterken benimle kalbini, al aklım gibi hissimi, al çünkü özlüyorum. अपने सपनों की दास्तान लिखना मत छोड़ना। Tenin almış beyazlığını aydan, saçlarının rengi geceden, bundan geceye sevda. Hello Ayhan, क्या तुम आ सकती हो? मैं घर पर हूँ, तुम्हारी जरूरत है। तुम जो कहोगी मैं करूँगा, अगर कहोगी तो जाऊँगा, नहीं कहोगी तो नहीं जाऊँगा। अगर मेरा कंपनी में कोई तुम्हें डिस्टर्ब करता है तो यकीन मानो मैं जल्दी यहाँ से चला जाऊँगा। क्या सच में यहाँ से जाने वाले हैं? जितनी जल्दी हो सके। नहीं नहीं, मेरे लिए तो सुबह 5 बजे भी ठीक है। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, इन दिनों वैसे भी मैं काफी कम ही सोता हूँ। हाँ हाँ, मैं 11 बजे पहुँच जाऊँगा। ओके मिस्टर जॉन, ये एजेंसी से आया है शायद आपके लिए, देख लीजिए। हाँ ओके, थैंक यू। सनम क्या हुआ, तुम ठीक तो हो ना? तुम्हारी आवाज बहुत अजीब सी लग रही थी, क्या हुआ तुम्हें? बोलो क्या बात है, ये क्या है? वो मिस्टर जान की तरफ से फेयरवेल गिफ्ट। अरे वाह सनम, जान डेविड की तरफ से गिफ्ट, और वो भी पोएटिक स्टाइल में, क्या बात है। पर तुमने फेयरवेल कहा ना? कल वो अब्रॉड चले जाएंगे, मुझे जाना होगा वहाँ। तुम कहाँ जा रही हो और तुम उसे जाकर क्या कहोगी? मिस्टर जान के यहाँ। सनम क्या बताना है? प्लीज तुम ऐसा नहीं कर सकती। मैं उन्हें जाकर कहूंगी कि रुक जाओ, कि मैं आपके बगैर नहीं जी सकती। मैं कह दूंगी जो भी कुछ कहना है मुझे। तुम जानती हो ना, तुम्हारा ऐसा कहने पर रिश्ता टूट भी सकता है। अयान वो मुझसे दूर चला जाएगा और फिर कुछ भी हासिल नहीं होगा। मैं जा रही हूँ। पागल हो गई।